પહેલે આપી ઉદબોધન કરવા દે તો બાદમાં કથા બાદમાં શરૂ કરી. જય શ્રી રામ. મેં નિવેદન કરૂંગા પરમ સદૈ પૂજ્ય રેવા સાહેબ પીઠાધીશ્વર જગદગુરુ રાઘવાચાર્યજી મહારાજ છે કે પૂજ્ય મહારાજજી આય ઓર વ્યાસપીઠ કા પૂજન કરે સાથ મે હી આયોજક પરિવાર સદે અમારી ડોક્ટર માં ઓર ઉનકી બિટિયા અનિશાજી પૂરા આયોજક પરિવાર પૂજન કે લિયે આય. और मैं निवेदन करूंगा श्रीमती चंदा देवी शर्मा एवं अनिशा जी शर्मा व सुरेंद्र सिंह जी शर्मा मानस पूजन के लिए मंच पे पधारे. प्रथम दिवस का मानस पूजन होने जा रहा है. શરણમ હરી શરણમ
हरि शरणम 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 दयालु राम की शरण कृपालु कृष्ण की शरण दयालु राम की शरण कृपालु कृष्ण की शरण दयालु राम की शरण कृपालु कृष्ण शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। मैं पूज्य महाराज जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने आशीर्वचन देखे आज की कथा का शुभारंभ करा। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। श्री पयोहारिण शिष्यं रामानंदानुयायिनं वंदेहमग्रदेवार्यं द्वाराचार्यं जगद्गुरुं अग्रदेवार्य सशिष्यं भक्तानां कीर्तिगायकं नाभाचार्यमहं वंदे द्वाराचार्यं जगद्गुरुं। नीलाम्बुजस्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। आज छापड़ा की इस धर्मप्राण नगरी में विश्वविख्यात रामचरितमानस के मनीषी विद्वान व्यासपीठ पर आसीन श्री मुरलीधर जी, जिनको आप सब टीवी चैनल के माध्यम से शायद प्रत्येक दिन सुनते रहते हैं और अपनी इस उपासना के माध्यम से अपना तो समुद्धार होता ही है, लोक लोकांतरों का भी उद्धार होता है। गीता में कहते हैं कथयंति रमन कथयंति च रमंति च,
जो ठाकुर जी की कथा में रमण करते हैं ते प्राप्नुवन्ति माम एव, वो कथा करने वाले और सुनने वाले दोनों मेरे को प्राप्त होते हैं। श्रद्धे विश्व क्षितिज के इस आकाश मंडल में देदीप्यमान नक्षत्र के रूप में प्रकाशित थे स्वर्गीय श्री राम जी, वैद्य श्री राम जी, जिनको भारत सरकार ने अनेक सम्मानों से सम्मानित किया था। आज उनकी सुपुत्री श्री चंदा देवी ने वैद्य जी का ये अद्भुत उनके आत्मा का तर्पण किया है, क्योंकि वैद्य जी स्वयं में राम और कृष्ण के परम भक्त थे, संतों के परम उपासक थे, संतों के परम उपासक थे और चिकित्सा जगत में जिन्होंने यश प्राप्त किया था, प्रथम बार रेवासा पीठ में जब वैद्य जी का पदार्पण हुआ था तो उनसे मेरे पीठ में एक शिक्षक जिसकी शादी हुए 17 वर्ष हो गए थे, निसंतान थे, और वैद्य जी ने इतनी सस्ती दवा बताई कि वो समझता हूं कि 1000 के खर्चे में उस शिक्षक को बच्चा भी हो गया और बच्ची भी हो गई। ऐसे सिद्ध हस्त वैद्य श्री राम शर्मा जी, जिन्होंने अपना सर्वस्व समाज के लिए समर्पित कर दिया, अपनी जन्मभूमि के प्रति उनका इतना प्रेम था कि मेरी जन्मभूमि का कोई व्यक्ति संस्कारहीन नहीं होना चाहिए, मेरी जन्मभूमि का कोई बच्चा दुखी नहीं होना चाहिए, मेरी जन्मभूमि में सदैव भगवान भक्त की चर्चा होती रहनी चाहिए। और इसलिए उसी क्रम में उनकी सुपुत्री और उनकी दोहिती और उनकी भी बेटियां, और मैं समझता हूं बंबई से उनके कितने परिकर लोग इस राम कथा के पावन श्रवण में सम्मिलित हुए हैं। बंधुओं, में एक बात कहना चाहता हूं कि समाज में, पूरे देश में जैसा विषाक्त वायुमंडल चतुर्दिक देखने को मिलता है, यदि ऐसे संत इस धरा पर प्रकट नहीं होते तो राग और द्वेष में लोग लड़ करके मर करके अभी तक समाप्त हो गए होते, नष्ट हो गए होते। ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में कौन ऐसा परिवार है जो नहीं जल रहा है, राग द्वेष की अग्नि में कौन परितप्त नहीं हो रहा है। किसी क्षेत्र में आप देखो उसी क्षेत्र में इस समाज में हाहाकार मचा हुआ है, अनाचरण और दुराचरण की अनंत घटनाओं से भारत की वसुंधरा का मस्तक नीचा होता है। और मैं समझता हूं ऐसे भीषण कलिकाल में अगर ऐसे संत इस धरा पर प्रकट नहीं हुए होते तो मैं समझता हूं कि इस समाज को जलने से कोई बचा नहीं सकता। और इसलिए मुरलीधर जी महाराज जो एक संत परंपरा में के संवाहक हैं, हमारी रामानंदीय परंपरा के प्रखर वक्ता हैं, और रामायण राम जी के चरित्र के माध्यम से हमारे संसार और लोक में हमें किन बातों को
अपने बच्चों को संस्कारित करना चाहिए, उन सब बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। और आप सब बंधुओं को संस्कारित करने का जो स्तुत्य प्रयास है, वह आपके माध्यम से मैं समझता हूं सैकड़ों देश के लोग आपके इस अमृतमयी वाणी का श्रवण करके कृतकृत्य होते हैं। मेरे को तो लोग कहते हैं महाराज मारवाड़ी में बोले हैं बहुत चौखा लागे, कदे अपना इलाका में भी कराओ। इसलिए अपनी मातृभाषा में, राजस्थान की भाषा में रामायण के गूढ़ रहस्यों को आप हम सबके बीच में हृदयंगत करते हैं, और हृदयंगत करके निश्चित रूप से जो मनन करते हैं वो बच्चे, मैं समझता हूँ बच्चों को जरूर सुनना चाहिए राम कथा, क्योंकि आज बच्चों ने माता पिता का सम्मान करना छोड़ दिया है, लोग बड़ों का की इज्जत करना छोड़ चुके हैं। इसलिए नई पीढ़ी के लोग अगर इस राम कथा का थोड़ा भी आनंद लेंगे तो निश्चित रूप से उनके जीवन में भाई क्या होता है, पिता क्या होता है, माताजी क्या होती है, पति पत्नी किसे कहते हैं, मित्र किसे कहते हैं, और भगवान ने जो इतना प्रेम ऐसा बांटा, ये तो परिवार की बातें हैं। भगवान ने तो वनवासी गिरियोशियों को भी अपने प्रेम से आप्लावित किया। इसलिए वाल्मीकि रामायण में एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि राम जी का चरित्र इतना उदात्त हो गया, राम जी का चरित्र घर घर में ऐसा व्याप्त हो गया, इतना व्याप्त हो गया घर घर में कि करणे करणे जपन जनाहा, एक दूसरे के कान में जो कोई मिलता राम राम सा है, राम राम सा है, करणे करणे जपन जनाहा, सब लोग एक दूसरे के कान में केवल राम जी का ही नाम बोलना चाहते हैं। और ऐसा उदात्त चरित्र सृष्टि में किसी भूखंड में नहीं हुआ है, और यह भारत वसुंधरा का सौभाग्य है जिस वसुंधरा में भगवान श्री राम के चरित्र के माध्यम से आज पूरी मानवता को दिव्य संदेश दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि आप सब बंधु, हमारे यहां व्याकरण में एक सूक्ति लिखी है, अल्पारंभा क्षेम करा, जब शुभारंभ होता है तो अल्प होता है, अल्पारंभा क्षेम करा, शुरू शुरू में लोग कम रहते हैं, किंतु जब इतने लोग दूसरों को बताते हैं कि भैया जितना आनंद आया ऐसा आनंद तो कभी मिलने वाला नहीं है, फिर तो लोग अपने आप ये प्रांगण भरेगा। मैं, मेरी व्यवस्था ये है, पथमेड़ा से बार बार आग्रह आ रहा है, चंदा जी मेरी बड़ी बहन है, इसलिए उनको मैंने आग्रह किया था कि मैं निश्चित समय पर पहुंचूंगा, परंतु एक दिन मैं पूरा दिन यहाँ रह करके वेद व्यास जी की कथा सुनूंगा, राम जी के चरित्रों का श्रवण करूंगा। अभी मैं आप सबके बीच में धृष्टता करता हुआ व्यास जी से अनुमति लेकर के मुझे प्रस्थान करना जरूरी है। मैं आप सबकी मंगल कामना करता हूँ। देखो हनुमान जी घुस अपने कथा सुनने वालों को हनुमान जी टिकट देते हैं, दूसरा कोई घुस नहीं सकता है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। भगवान हनुमान जी जिस पर कृपा कटाक्ष करेंगे वो सब इसके भीतर घुसते चले जाएंगे, और हनुमान जी जिसको कृतार्थ करेंगे वो भगवान की कथा से अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो वैद्य जी की जो चिन्मय आत्मा है वो सूक्ष्म सत्ता के रूप में इस प्रांगण में बैठी हुई है, और अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, दोहितियों को, सबको बहुत बहुत शुभाशीर्वाद दे रहे हैं कि मेरे गांव में, मेरी जन्मभूमि में एक मानवता और चरित्र के निर्माण का एक श्रेष्ठ स्तुत्य प्रयास जो उनके बेटियों ने, बच्चों ने किया है, निश्चित रूप से ऐसे प्रयास से समाज के निर्माण में बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। मैं इसी मंगल कामना के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।
लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोके सीता समारुपितु वाम भागं पाणौ मासायक चारु चापं नमामि राम रघुवंशनाथं वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कर्पूरगौरौ करुणावतारं संसारसारं भुजगं सदा वसन्तं मरदयारविन्दे भवम भवानि सहितं नमः अतुलित मलधाम महेम शैलाभदेहम् धनुजवन कृसान ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधाम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तं वात्सजा बोले हनुमान जी महाराज की श्री राम चंद्र कृपालु भजो मन हरन Thank you.
Oh God.
Yeah.
परे तनु जानके
सुमिरो पवन कुमार बलबुद्धि विद्यात्यो तुमुई हरवो क्लेश विकार बल बुद्धि विद्यात्यो मुई हरवो क्लेश विकार सभी भाव से गाइए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पोत पवन सुत नामा महावीर विक्रम वज्रंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और गदा विराज कांधे मोज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग वंदन विद्यावान गुणी रति चातुर राम काज करी वे को हाथ प्रभु चरित सुन वे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियारे सिर रघुवीर हर सिर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सस बदन तुम रोज सगावे अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित अहिंसा पाल जहाते कवि कोविद कही सके पाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाय राज पद दीना तुम रो मंत्र विभीषण माना लंगेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र जोजन परवानो लील्यो ताहि मधुर फल जानो प्रभु मुदिका मील मुख मारे चल दिलांद गए अचरज नारे दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुवारे तुम रखवारे ओरन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख रहे तुम्हारी शरणा तुन रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारोह आपे तीनों लोक हाक भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे
से रोग हरे सब पीरा जब त निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ज्ञान जो लावे तब रे राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा हे प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अजोर दीन जान की माता राम रसायन तुम रे पासा सदा रहो रघुपति जी के दासा तुमरे भजन राम जी को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चिंतन धर हनुमत से ही सर्व सुख कर संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमेरे हनुमत बल वीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतवार पाठ कर कोई छूटे बंदी महा सुख होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मोह डेरा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम पवन तनय संकट हरण मंगल रति राम लखन संकीर्तन करें प्रेम और भाव से मेरे साथ गाइए श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम
राम जय राम जय सबके रा मैं तेरा
सबके राम श्री राम जय सियावर रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की श्री बाल कृष्ण भगवान की हनुमान जी महाराज की पूज्यपद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की सद्गुरु भगवान की गौ माता की हरि ओम नमः पार्वती पति हर 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 महादेव पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सत सत वंदन कर आप सभी भगवत प्रेमी हरि अनुरागी भक्तों को व्यासपीठ से प्रणाम कर विज्ञान के माध्यम से अपने अपने घरों में बैठ के कथा श्रवण करने वाले सभी श्रोताओं को सत सत प्रणाम कर भारत भूमि की इस पावन धरा पे कार्तिक मास के पावन अवसर पे आयोजित राम कथा के आज प्रथम दिवस देखिए संकल्प बड़ा होता है व्यक्ति का मनुष्य का संकल्प अगर हो तो कुछ भी असंभव नहीं है ऑल फॉर पॉसिबल नॉट फॉर इम्पॉसिबल क्यों डॉक्टर मां देखिए ये कथा सदे डॉक्टर चंदा जी और उनकी बिटिया अनिशा जी दोनों ने मेहनत करके इसका ये स्वरूप दिया है इसको मूर्त रूप दिया है अपने जिनको नाम तो डॉक्टर चंदा जी पर हम उनको प्रेम से डॉक्टर माँ ही कहते हैं हमारे माँ की उम्र की हैं और डॉक्टर हैं तो बड़ों का नाम ज़्यादा नहीं लेना चाहिए इसलिए अक्सर हम उस संबोधन में जिससे ज़्यादा स्नेह होता है तो बोलते हैं ऐसे आज से पहले हमने किसी को कहा नहीं हमारी माताजी के अलावा पर आपको कहा निकल गया नया से एक बात पर से डॉक्टर माँ ही बोलते हैं कितना सुंदर भाव आपका अपने पिताजी की स्मृति में उनकी याद में जिन्होंने आयुर्वेद में एक बहुत बड़ा इस भारतवर्ष को योगदान दिया हृदय वैद्य सांकेतवासी डॉक्टर श्री राम शर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी
सरस्वती देवी जी शर्मा, दोनों की याद में। अब अक्सर कहती हैं कि हमारी माता जी हनुमान जी की परम भक्ता थे, हनुमान जी की परम भक्त, और हनुमान जी राम कथा के रसिक श्रोता है। उसी भाव से और राम जी से प्रेम के कारण इस कथा का आयोजन करवाया। आप विचार कीजिए, ये यहां रहती नहीं है हमारी डॉक्टर मां, बंबई रहती है, अनिशा जी भी वहीं रहती हैं, गांव में साल में एक दो बार आना जाना रहता है। ये चाहती तो कथा किसी तीर्थ पे करवा सकती। मैं आपसे पूछता हूं, जो यहाँ के निवासी हैं उनसे कहूंगा, ये चाहती तो तीर्थ पे करवा सकती, ये चाहती तो मुंबई में करवा सकती, वहां इनको आसानी रहती हर तरह से, लेकिन अपने पिताजी की जन्मभूमि पे इस भूमि से लगाव के कारण इन्होंने यहां इस कथा का आयोजन रखा। बताइए आप, मुझे कहा जब दो साल पहले हमसे ऋषिकेश में मिली थी डॉक्टर मां, तो कहा महाराज कथा करवानी है, कहां करवाएगी? मैंने कहा, तो कहा हमारे गांव में, छोटा सा गांव है, पता नहीं आपके अनुकूल अनुरूप व्यवस्था हो ना हो, पर करवानी है। मन गांव का है, मेरे पिताजी का भाव था, वहीं करवाने। मैंने कहा डॉक्टर मां आपका भाव है, हम भाव को महत्व देते हैं, भीड़ को महत्व नहीं देते, ध्यान रखिएगा, और नहीं स्थान को महत्व देते हैं। जगह कहीं हो, खेत हो, खलियान हो, चाहे वीरान हो, क्या फर्क पड़ता है। भगवान के गुणों को गाना है, जिनके भाग्य में सुनने का योग होगा वो आके सुन लेगा, और जिनके भाग्य में सुनने का योग नहीं होगा तो उनके कान के पास जाके गाओगे तो कान में भी मारा रुई लगा देगा, सुनेगा ही नहीं। भाग्य में लिखे बिना थोड़ी मिलता। भगवान शंकर जी पार्वती जी जा रहे थे, सामने एक बूढ़ा बूढ़ी अति दरिद्र अवस्था में आ रहे थे, इतने गरीब, पांव में कुछ पहना नहीं, कपड़े फटे, पेट में कुछ नहीं, इसलिए आंखें बैठी हुई, गाल बैठे हुए। भगवान शिव को कहा उमा ने, बाबा ये इतने गरीब हैं, वृद्ध हैं, इनके ऊपर दया कीजिए ना, इनको भी तो कुछ दीजिए, आप तो मायापति हैं, आपके पास तो माया का भंडार है, थोड़ी इन पे कृपा कर दें। शंकर जी ने कहा देवी इनके भाग्य में लिखी नहीं है, माया तो देंगे कैसे? कि नहीं नहीं आप देना ही नहीं चाहते। शिव ने कहा चलो ठीक है। भगवान शंकर ने यूं हाथ किया तो सामने हीरे पन्ने माणक के मोती रास्ते पे भरे पड़े रुपए। शिव ने कहा देख जिस रास्ते से आ रहे हैं मैंने इसी रास्ते पे डाल दिया, सब अगर ये अब देख ले लेंगे तो इनका दर्द दूर हो जाएगा। लेकिन वो दोनों बूढ़ा बूढ़ी चलते चलते सोचने लगे, कहने लगे, बूढ़ी कहने लगी बूढ़े से कि सुनते हो कि क्या, अभी तो हम बूढ़े हैं, हमारे से चला दो मुश्किल से जाता है व्यवस्था नहीं, कल को और बूढ़े होके अंधे हो गए तो फिर कैसे चलेंगे? तो उस बूढ़े ने कहा चलो हम आज से प्रैक्टिस करते हैं अंधे होके कैसे चलेंगे। दोनों ने आंखें बंद कर दी, अंधा अंधी बन गए, और अंधा अंधी बन के चलते रहे चलते रहे। वो जहां भगवान शंकर ने माया को बिखेरा उस माया के ऊपर पांव देते देते आगे निकल गए। भगवान शंकर ने उमा से कहा देखो देवी, अब तुम कह रही थी ना इनको दो, अब इनको अंधा यही बनना था, क्योंकि इनके भाग्य में माया का योग नहीं है, और जब योग नहीं, संयोग नहीं, मिलने का योग नहीं है तो नहीं मिल पाएगी। आपके लाख कहने से और मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। तो यही बात है, हमारे राजस्थान के कवि कहते हैं भाग बिन मिले नहीं भली वस्तु का भोग, के दाख पकत बैसाख में तो होय काग कंठ रोग। द्राक्ष बैसाख में पकती है उस समय कौओं के गले के रोग हो जाते हैं, और जब नीमोली पकती हैं तो गले खुल जाते हैं, बेचारों की नीमोली लिखी हुई तो द्राक खाएंगे कहां से। भाग्य में जिसके जो लिखा है वो ही मिलेगा,
पर हमारा आपका प्रयत्न करना ये हमारी डॉक्टर माँ का प्रयत्न है। अब इस प्रयत्न में कौन कितना लाभ ले पाता है वो तो परमात्मा जाने का मेरा बाबा जाने, पर आपके भाव को ये व्यासपीठ वंदन करती। मैं यहां जब आया रात को देखा तब मैंने सोचा इस छोटे से गांव में इन दोनों ने कितना, और उसमें भी हमारी डॉक्टर माँ बीमार रहती है तभी ठीक नहीं रहती, लेकिन फिर भी दोनों ने, कल हमने जब अनिशा जी को देखा मैंने कहा क्या बेटा ये स्वरूप बना रखा है आपने, ऐसा काम करना है तो उसमें जूझना पड़ता है, पर फिर भी लाख कोशिश करके कुछ लोग नहीं कर सकते वो इन्होंने किया, अपने पितृ प्रेम को यहां उजागर किया है, अपने मातृभूमि के प्रेम को, जन्मभूमि के प्रेम को उजागर किया। तो आज से 9 दिवस तक हम भगवान राम जी के पावन चरित्र को गाएंगे और सुनेंगे। देखिए व्यासपीठ का काम होता है कथा गाने का, व्यासपीठ गान करती है, श्रोताओं का काम है सुनना, ठीक है। श्रोताओं का काम है सुनना, लेकिन खाली सुनना ही नहीं है, सुनने के बाद में उसको हृदय गमन करें। देखिए जब सुन के जीवन में उसको चरितार्थ करके उस पर चलने की कोशिश करें तभी जीवन सफल बनता है, ध्यान रखिएगा। और नहीं तो सुना ठीक है, सुनने से इतना बुरा तो नहीं, कुछ जाएगा तो नहीं, 9 दिन सुनेंगे 2 जाना 4 घंटे तो कम से कम 36 घंटे तो कोई किसी का बुरा तो नहीं सोचेंगे, इतना तो फल भला होगा ही होगा। लेकिन सुनने के बाद में उसको जीवन में उतारें, सुनो समझो और सुलझो, सुनोगे सुनन के समझोगे और समझ के सुलझोगे तभी जीवन जय जय होगा, अन्यथा तो महाराज सुनते रहो बस। इस क्षेत्र में मैं पहले भी कथा गा चुका हूं, कई वर्ष पहले पिलानी में हमारे राधेश्याम जी जाखोड़िया सामने करवाई थी, शायद वो आएंगे कथा में, हमारी तो बात नहीं हो पाती है। हमारी सबसे बड़ी बुरी बात यही है, हम जहां से कथा गा के जाते हैं फिर वहां उनको वापस संपर्क नहीं करते, अगला ही कोई संपर्क करके आ जाए तो ठीक है, नहीं तो वहां जय जय श्री राम। माल लोग इसलिए कई शिकायत भी करते हैं कि महाराज आप मतलब ही हैं, मैंने कहा आप यही समझो भाई मतलब ही सही, और तो क्या करें, अब मतलब ही हमने तो कोई अपना मतलब निकाला नहीं, राम जी की कथा को गाया, लेकिन मन से शुरू से ऐसा ही भाव है कि कुनबा बढ़ाना नहीं है, परिवार जितना छोटा हो आसन जितना छोटा हो समेट के आदमी चला जाता है, आसन जितना बड़ा होता है ना तो डॉक्टर माँ उसको समेटना बड़ा मुश्किल होता है, तो जितना कुनबा आपका जितना आपका परिचित परिवार बड़ा होगा उतनी टेंशन उतनी परेशानियाँ ज़्यादा होती हैं, इसलिए छोटा रखो बस, तो ज़्यादा नहीं रखते। यहाँ कथा गाई उसके बाद वापस मेरी उनसे एक आध बार बात हुई थी फिर नहीं हुई, पर यहाँ आए हैं तो उनको पता तो है ही आएंगे, ये दूसरी बार मैं यहाँ आया हूँ कई वर्षों के बाद। लेकिन पिलानी थोड़ा बड़ा शहर है और छापड़ा तो छोटा गांव, कल आया देखा था, जाने सुबह घूमने निकले थे जब 5:30 बजे तो, और तो कोई नहीं, बाकी हम तो मौन रहते हैं 10 बजे तक तो कुत्ते भौंक रहे थे, तो मैंने कहा आज हम नए नए हैं कल से पुराने हो जाएंगे पहचान जाएंगे कि ये भैया लोग रोज आने वाले हैं, 2 दिन बाद पहचान जाएंगे, पर बड़ा आनंद आता है। मैं आपको सही कहूँ जो शुद्ध वातावरण जो शुद्ध वायु जो गाँव का वातावरण है उस शहरों में नहीं मिलता, डॉक्टर मैं सही कहूंगा,
यहाँ सुबह निकले हम 5:30 बजे, तब तक घरों के बाहर माताएं झाड़ू लगा रही थी 5:30 बजे। एक गांव में ही देखने को मिलता है, शहरों में तो 9 बजे पहले उठते ही नहीं है, तो कोई झाड़ू लगाया हमारा। ब्रह्म मुहूर्त में गांव जगता है और रात को जल्दी गांव सोता है। महानगर तो देर से जगते हैं, रात को देर से सोते हैं, अंतर इतना है। अपनी अपनी सबकी मौज है। 9 दिन में हम आपको संक्षिप्त में सभी प्रसंगों को लेके कथा को सुनाएंगे, ध्यान रखिएगा। आज पहला दिन है। पूज्य गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में सबसे पहले गुरु वंदना की। गुरु वंदना के बाद में ब्राह्मणों की वंदना की। बंदों प्रथम महीसुर वरना, महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। महीसुर, मही यानी भूमि, सूर्य यानी देवता, ब्राह्मण इस भू के देव हैं। भगवान भी संसार में अवतरित होते हैं तो उनके सभी संस्कारों को ब्राह्मण देव करवाते हैं, इसलिए ब्राह्मणों को भूदेव कहा है। ब्राह्मण कौन? शास्त्र पढ़ें और पढ़ाएं, यज्ञ करें और कराएं, दान लें और दें। इस समाज की एक सुंदर रचना को मूर्त रूप देते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मणों की वंदना की, साधुओं की वंदना की। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विसद गुणमय फल जासु। साधु चरित शुभ चरित कपास। साधु का चरित कैसा है? कपास जैसा है। खेतों में कपास होता है, अभी तो हुई फसल आ ही रही कपास। कपास के फूल में कोई सुगंध नहीं है, कपास के फूल में रस नहीं है, रंग नहीं है। रस रंग गंध कुछ नहीं है। तो साधु का चरित्र कैसा होना चाहिए? कपास जैसा। कोई रंग ना चढ़े, एक रंग जो भगवान के नाम का चढ़ गया, कोई बाकी कोई रंग ना चढ़े। कोई रस नहीं है संसार के, कोई रस, सब रसों से भी है, एक ही रस हरी नाम का रस। सुगंध नहीं होती साधु की। साधु की सुगंध नहीं है। साधुओं की वंदना के बाद में संतों की वंदना की। भूतों की, प्रेतों की, पिशाचों की, किसी को पीछे नहीं रखा। और गोस्वामी जी ने लिखा, आखिर चार लाख चौरासी, आखिर चार लाख चौरासी, जाति जीव जल तल नभ बासी, सिए राम मय सब जग जाने, सिए राम मय सब जग जाने, क
करहु प्रणाम जोरी जुग पाने करहु प्रणाम जोरी जुग पाने गोस्वामी जी ने किसी को पीछे नहीं रखा। जल में थल में नभ में जितने ही जीव हैं, आखिर 484,000 योनि है। पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं। कैसे? इन सब योनियों में जो नारी रूप हैं, वो तो जानकी सम, और जो नर रूप हैं वो राम जी सम। श्री राम मैं सब जग जानी, ये जानना ज्ञान है, और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, मानना भक्ति है। हम जाने कहते तो हैं कि भाई भगवान सब में है, कहते कि नहीं कहते? जोर से बोली, हम लोग कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर सब में है। जानते हैं? नहीं जानते हैं। खाली नाम में जानते हैं कि ईश्वर सब में है। अगर ये जानते कि ईश्वर सब में है तो शायद हमसे कोई अपराध नहीं होता। हम किसी भी पशु को, पक्षी को, कीड़े को, मकोड़े को, किसी जीव को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देते। अगर जानते तो जानते कहां हैं? नहीं जानते। अगर अनायासी कोई पशु हमारे घर का नुकसान कर दे, पशु पशु है, चाहे बिल्ली हो, कुत्ता हो, चाहे बकरी हो, चाहे भैंस हो, चाहे गाय का बछड़ा हो, गाय हो, तो क्या आप उसको प्रणाम करते हो? करोगे? जोर से बोलिए। अगर ईश्वर है तो ईश्वर को प्रणाम करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? मंदिर में जाते हो तो राम जी को प्रणाम करते हो कि नहीं करते हो? हनुमान जी को प्रणाम करते हो कि नहीं करते हो? ऐसे तो हनुमान जी को जाके प्रणाम करते हो, और कोई बंदर घर में आ जाए तो ले लठ लारे दौड़े मारा है। कहा सिये राम माया सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूं। किसी को, किसी ने गोस्वामी जी से कहा कि एक संतों को ठीक है, लेकिन भूतों को, प्रेतों को, पिशाचों को, कीड़ों को, मकोड़ों को, 84,00,000 योनि में तो सभी योनि आ गई, और सबने सबको आप प्रणाम करते, ऐसी कहां आवश्यकता पड़ गई? तो कितना वही ये कह सकता है जो सब में राम को देखे। गोस्वामी जी ने कहा, निज बल बूति भरोस मोहि नाही, ताते विनय करूं सब पाही, मुझे मेरी बुद्धि का भरोसा नहीं। सबको मैं प्रणाम इसलिए करता हूं कि सबकी कृपा हो, सबका आशीर्वाद मिले, और मैं इस कथा का गान कर सकूं, इस कथा का लेखन कर सकूं। करन चहूं रघु पति गुन का,
लघुमति मोर चरित अवगा हमारी बुद्धि छोटी लघु है और चरित्र अपार है, इसलिए मैं सबको प्रणाम कर रहा हूं ताकि सबकी कृपा सबका आशीर्वाद मिले और मेरा मनोरथ पूरा हो जाए। आप ऐसा इस कथा में क्या लिख रहे हो, ऐसा विशेष क्या है इस कथा में? गोस्वामी जी ने कहा इस कथा में विशेष कुछ नहीं, तो भी कुछ तो विशेष होगा। तो कहा एही मारा रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा मंगल भुवन मंगल भवन अमंगल हारी ओमा सहित जी जपत पुरारी कथा में राम जी का नाम है और वो नाम कैसा है कि मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल का भवन है और अमंगल को हरने वाला है। जिस नाम को उमा सहित जई जपत पुरारी, जिसको भगवान शंकर उमा के साथ रात दिन जपते हैं, जीवन के जितने ही अमंगल है और सब अमंगलों का नाश हो जाता है जब भगवान राम जी का नाम हृदय में आता है तो सर्वत्र मंगल हो जाता है, ध्यान रखें। सही है कि नहीं है बोलिए। आदमी की पहचान किस बात से है डॉक्टर? आदमी की पहचान किस बात से है? पैसों से, पद से, प्रतिष्ठा से? नहीं। देखिए ये धन से, पद से, प्रतिष्ठा से तो पहचान उस समय तक रहेगी जब तक उस पे आसीन हो, लेकिन जब उससे छोड़ के चले गए तो उसको कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। मैं आपको सही बात बता, ज्यादा से ज्यादा ठीक है, कोई बहुत बड़े लोग होंगे, बहुत ज्यादा बड़े, तो उनकी जयंती या पुण्य तिथि मना दें। लेकिन जो राम जी के नाम को धारण करते हैं और जब तक संसार में रहते हैं तब तक तो वो आदर्श रहते ही हैं, लेकिन उनके जाने के बाद में भी उनको दुनिया याद करती रहती है। ये ध्यान रखें। तो बड़ा क्या है? राम जी का नाम है। जो मंगल को करने वाला है और अमंगल को हरने वाला है, इस मानस में, इस राम कथा में मुख्य राम नाम है। ये कथा एक सरोवर है, जिसके जैसे सरोवर के घाट होते हैं वैसे ही राम कथा रूपी मानस सरोवर के चार घाट हैं, कर्म घाट, ज्ञान घाट,
भक्ति घाट और शरणागति घाट, और चारों घाट पे एक एक आचार्य कथा सुनाते हैं। कर्म घाट पे याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं, ज्ञान घाट पे भगवान शंकर उमा को सुना रहे हैं, भक्ति घाट के ऊपर काकभूषण जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं, और शरणागति घाट के ऊपर पूज्यपाद गोस्वामी जी अपने मन और संत समाज को कथा सुना रहे। देखिए कर्म से ज्ञान, ज्ञान से भक्ति, और भक्ति से ही शरणागति होती है। अब कर्म करेंगे तो ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तो भक्ति आएगी, और जब भक्ति होगी तभी आप शरणागति जा सकते हो, और शरणागति जाओगे तभी आप अपने इस मन को समझाओगे। गोस्वामी जी ने बार बार लिखा, सुनो संतत सठ बना, अपने मन को सुनाया है। मेरे दादाजी गाते थे, जीवन दिन चार कारे, जीवन दिन चार कारे मूर्ख मन। किसको कह रहे हैं? जन को नहीं कह रहे, अपने मन को कह रहे। मूर्ख मन कैसे फिरो मस्ताना, जीवन दिन चार कारे कैसे फिरो मस्ताना, कैसे फिरो मस्ताना, ए मूर्ख मन कैसे फिरो मस्ताना, जीवन दिन चार कारे हो, जीवन दिन चार काए मूर्ख मन कैसे फिरो। जब ज्ञान हो जाता है और भगवान के चरणों की प्रीति होती है तो भगवान के चरणों से मन न हटे, क्योंकि मन बड़ा बावरा है, बार बार ढूंढ इधर उधर भटकता रहता है। तो उस मन को समझाने के लिए, मन को बार बार समझाना और मन को प्रभु के चरणों में लगाना, यही शरणागति है। मंदिर महल अटारी रे बंगले नगदी माल खजाना, मंदिर महल अटारी बंगले नगदी माल खजाना, एक दिन कुछ हो जाएगा बंदे, एक दिन कुछ हो जाएगा बंदे, एक दिन सब छुट्टी जाएगा बंदे, यह सब ही आसियाना, जीवन दिन चार कारे हो, जीवन दिन चार कारे हो, मूर्ख मन कैसे फिरो मस्ताना, जीवन दिन चार कारे, जीवन दिन चार thank you.
कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी बन बैठे धनवाना कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी बन बैठे धनवाना ऐसा धन चाले चाले फूटी कौड़ी निकल जाए तन प्राण जीवन दिन चार कार ओ जीवन दिन चार कार मन कैसे फिर मस्ताना जीवन दिन चार कार जीवन दिन चार कार मन कैसे फिरो मसाना कौरव चले गए पांडव चले गए महावीर बलवाना कौरव चले गए पांडव चले गए महावीर बलवाना ए तेरे शरीर के लाखों चले गए तेरे शरीर के लाखों चले तेरे शरीर के लाखों चले गए तू किसका मजमाना जीवन दिन चार कारे जीवन दिन चार कारे मूर्ख मन कैसे पियो मस्ताना जीवन दिन चार कारे जीवन दिन चार कारे मूर्ख मन कैसे फिरो मस्ताना मानो कना बिरा दास का जो चाहो कल्याणा मानो कहना बिरा दास का जो चाहो कल्याणा अनित्य कर्म करी और दान हो नित्य धर्म करी और दान और जीवन कर दाना जीवन दिन चार कारे जीवन दिन चार कारे मूर्ख मन कैसे जीवन दिन चार कारे जीवन दिन चार कारे मूर्ख मन कैसे फिरो मन को समझाना क्योंकि आदमी भव बंधन से पार भी मन की कृपा से होता है और इस भव सागर में गिरता भी मन की कृपा से अगर मन
के अनुसार चलता है तो महाराज पतन होना निश्चित है। लेकिन जो मन को नियंत्रण करके मन की दिशा को बदलने की कोशिश करता है तो उसका जीवन जरूर सफल होता है। बार बार मन को हरि चरणों में ले जाए, बार बार, तो दिखती बात है अभ्यास और प्रयास से जीवन सफल होता है। ये बच्चा पार्टी को इनको थोड़ा बाहर भेजे, बड़े तो इनको कहो बड़े होंगे कुछ कामयाब होंगे तो कुर्सी जरूर मिलेगी। अभी काहे को लटूम रहे हो कुर्सी से? इनको कहो खेलो, बैठो तो शांति से बैठो और नहीं तो बाहर। शरणागति घाट पे गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन को कथा सुना रहे हैं। करम घाट पे याकुलक जी ने भरद्वाज जी को कथा सुनाना प्रारंभ किया। भरद्वाज जी ने याकुलक जी से कहा कि भगवान मन के अंदर एक संशय है। क्या संशय है? तो कहा संशय है राम कौन है। कितनी सुंदर बात कही, कौन राम है? आप बताओ आपके आपके विचार में कौन राम है? तो भरद्वाज जी कहने लगे एक राम जिसको मुनि योगी धीर ज्ञानी जपते हैं और तो और संतत जपत शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। संत हर क्षण जिस राम नाम का जप करते हैं कौन शंकर, क्योंकि शिव अविनाशी है और वो अगर जाप करते हैं तो एक राम हो दूसरे एक राम अवदेश कुमार तिन कर चरित विदित संसार नारी विरालय दुख अपारा करही रोस रन रावण मारा। एक राम दशरथ जी के लाला दशरथ पुत्र राम, पिता की आज्ञा को मान के बन गए, पत्नी के वियोग में विलाप किया और क्रोध करके रावण का संहार किया तो एक दशरथ नंदन राम वो, और जिस राम नाम का भगवान शिव मुनि योगी धीर ज्ञानी जप करते हैं वो राम। ये दोनों एक हैं कि अलग? याकुलक जी ने कहा, याकुलक जी ने कहा आप क्या पूछना चाहते हो? तो कहा जैसे मिटे मोह भ्रम भारी मेरे मन का ब्रह्म ये संशय मिटे कहूं सो कथा नाच विस्तारी। आप वह कथा विस्तार से कहिए, सुनाइए हमें, बताइए कौन राम है। जो ही ये भारद्वाज जी ने कहा याकुलक जी कहने लगे सुन नहीं चहूं राम गुण गूढ़ा। मुनि आ आप राम जी की कथा सुनना चाहते हो पर किनहु प्रश्न मनहु मति मूढ़ा। प्रश्न किया जैसे कोई महामूर्ख व्यक्ति क्यों ना हो। अब सुनना राम जी की कथा चाचो, पर राम जी की कथा कैसी है? राम कथा शशि किरण समाना। संत चकोर करहिं जी पाना मन
महामोह मई से सुबिसाला राम कथा कालिका कराला ऐसे ही संशय कीन भवानी महादेव तब काँप कानी यज्ञवल्क्य जी कहने लगे राम जी की कथा तो मुनि चंद्रमा की किरणों के समान है। तो पान कौन करता है ये ध्यान से समझे। संत चकोर करही जही पाना। देखिए चंद्रमा तो नित्य आसमान में उदय होता है, हाँ पक्ष के आधार पे घटता बढ़ता जरूर है, एक अमावस्या के अलावा नित्य आसमान में उदय होता है, लेकिन कितने लोग चंद्र के दर्शन करते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो सगुन को मानते हैं वो शुक्ल पक्ष की द्वितीया का चंद्रमा का दर्शन जरूर करते हैं। करते हो ना? थोड़ा जोर से बोल। मारवाड़ी में कह वैसा कि बीज रे चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए, और ये सही भी है। उस आधार पे व्यक्ति अपने, देखिए पहले हमारे प्राचीन समय में वृद्ध लोग जो हमारे बूढ़े लोग थे वो अपने मृत्यु की तिथि बता देते थे। क्यों बता देते थे? सगुन और सरोदे के आधार पे अपने मृत्यु की तिथि बता देते थे। नासिका से जो लेना सांस कौन सा तेज है कौन सा कम है उसके आधार पर, इसको मारवाड़ी में सरोदा बोलते हैं और शगुन, तो उस आधार पे। अब इस चर्चा में हम नहीं जाएंगे कि हमारी तो, हमें जानकारी तो है राम जी की कृपा से, लेकिन हमारी व्यवस्था यह है कि हम इस पे चल नहीं सकते क्योंकि कथा गाते हैं और यत्र तत्र चलते रहते हैं, इसलिए एक स्थान पे अगर कोई व्यक्ति रहे, संत महात्मा एक स्थान पे रह के भजन करते थे तो इस पे चलते थे। चंद्र का घर हो तो पानी पीना चाहिए, सूर्य का घर आए तो भोजन करना चाहिए, चंद्र के घर के अंदर उठना चाहिए, रात के समय में सूर्य का घर चले, दिन में चंद्र का घर चले, चंद्र के घर में, देखिए ये सब अलग अलग इसकी सब विधाएं हैं और उस आधार पे व्यक्ति चलता है। कितना गति से चंद्र का घर चले या कितना गति से बंधु, कितना गति से सूर्य का घर चले, और सूर्य का घर कब कब चलता, किस किस समय चलता, उस आधार पे अगर इतने समय चलता है इतने महीने बाद शरीर छूट जाएगा, इतने समय ऐसा चलता है इतने वर्ष के बाद में इतना ऐसे चलता है तो इतने घंटों के बाद में, और ऐसा चल रहा है इतने मिनटों के बाद में, तो ये ऐसे ही गणना है इस सबकी। महाराज हमारे ऋषि महात्मा योगी पुरुष ये करते थे, संत महात्मा। इसलिए आयुर्वेद हमारे देश का सबसे प्रमुख था स्वास्थ्य के लिए, पर धीरे धीरे चला गया डॉक्टर। जितना मेरे हिसाब से वेद जी जानते थे आयुर्वेद में, उतना अभी पीछे कोई जानता है क्या? क्या मैं पूछूंगा आपसे डॉक्टर माँ, जितना
स्वर्गीय वेद जी जानते थे श्री राम जी शर्मा साहब, उतना अभी कोई जानता है? नहीं जानता। किताबें पढ़ना अलग है, पर औषधि का ज्ञान होना सबसे बड़ी बात है। औषधियां मिल जाएगी आपको, ये पता फला फला औषधि लिख देंगे, लेकिन औषधि का ज्ञान होना ये सबसे बड़ी बात है। औषधि कौन सी सही है, कौन सी ओरिजिनल है, असली है, और कौन सी नकली है, यही तो बड़ी बात। और उसी से तो उपचार होता था। नहीं, धीरे धीरे समय निकला जा रहे हैं। तो चंद्र दर्शन ऐसे हम द्वितीया का करते हैं, पर नित्य नहीं देखते। हाँ, अगर गर्मी हो घर में, लाइट चली जाए, आजकल तो गांव में भी सबको पंखे कूलर लगा ही रहते हैं, कई तो इसी लगे हैं, और गर्मी हो और लाइट चली जाए और भीतर ज्यादा गर्मी लगे तो घर के छत पे आके सोते हैं, तो अनायास आसमान में नजर जाए और चंद्र दर्शन हो जाए तो बात अलग है। बाकी अभी वर्षा के मौसम में खेत में रखा रुखवाली के लिए मचान पे सोते रहो और अगर चंद्र दर्शन हो जाए तो वो बात अलग है। बाकी महाराज चला के चंद्र दर्शन के लिए कोई ऊपर नहीं आता, कोई आसमान में नहीं देखता, पर कौन देखता है? चकोर नाम का पक्षी, जैसे ही सूर्यास्त होके चंद्र उदय होता है तब से लेके पुनः सूर्य उदय तक टकटकी लगाए वह देखता रहता है। कौन? चकोर। ऐसे ही ये राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है। चंद्रमा जैसी नहीं, चंद्रमा की किरणों के जैसी है। और इसका पान कौन करता है? कोई चकोर रूपी संत करता है। बाकी तो अनायास, अब जैसे आपके छाबड़ा में कथा का आयोजन है और यहां पता चले और आ जाए और सुन ले, वो ही कोई जरूरी नहीं कि सभी आके सुने। कोई तो गर्मी में ही पड़े रहते, आलसी होते हैं, पड़े रहो जी, हवा आएगी, जब लाइट आएगी आएगी, नींद आ जाए तो पड़े रहते हैं, तो वो नहीं देखेंगे। ऐसे ही पास में हो के भी ना आए तो बात अलग है, लेकिन अन्य आ सके सुने ये पान है। पर जो चकोर रूपी होते हैं वो तो कहीं से भी आएंगे, दूर से भी कई लोग आए हुए, कहीं कहीं कितने कितने दूर से आ गए यहाँ पे सुनने को, और वो भी जरूरी नहीं कि आप पास वाले सुनने को आए। तो जिसका मन चकोर रूपी है उस राम कथा की चंद्रमा रूपी किरणों का पान करता है। बाकी कथा का प्रभाव क्या है कि महा मोहो महिषेश विशाला राम कथा काली का कराला। हमारे भीतर एक बहुत बड़ा दैत्य है, हम सबके भीतर, और वो कौन सा दैत्य है? मोह रूपी महिषास। हम जितने बैठे हैं, मैं भी आपके साथ हूं, हम सबको पता है कि संसार में स्थिर कोई नहीं है। क्यों डॉक्टर मां? सबको पता, जाना तो है, किसी को आज किसी को कल, एक दिन तो जाना। और ये भी सबको पता है कि जिसके लिए रात दिन हम मेहनत कर रहे हैं, ये मकान बना रहे हैं, धन को अर्जित कर रहे हैं, इकट्ठा संग्रह कर रहे हैं, एक अभी प्राण निकल जाए फूटी कौड़ी नहीं चलेगा, ये भी पता है कि नहीं है। लेकिन कितनों के वैराग्य हुआ? हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। मैं तो कह रहा हूं 80 की उम्र में भी व्यक्ति संचय करने की कोशिश करता है, कई तो 85 के होते फिर भी कई एक दो और काम कर दें, अभी तो थोड़ा जीना है। क्योंकि गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में लिखा है मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह सभी बीमारियों की जड़ है। जैसे आयुर्वेद में कहते हैं कि पेट सब बीमारियों का घर है, ये पावर हाउस है पेट बीमारियों का, और जिसका पेट गड़बड़ है उससे सब बीमारियां उसकी चालू हो जाती है। वैसे ही ये जो विकार है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इसमें जो मोह है ये सब व्याधियों का, सब बीमारियों का घर है। मोह सकल व्याधिन कर मूला।
तो इस मोह रूपी महिषासुर को समाप्त कौन करता है? ये राम जी की कथा काली का बन के जो इस कथा को नित्य सुनता है और गाता है, तो उस साधक का धीरे धीरे स्नेह स्नेह मोह समाप्त हो जाता है। फिर उसका संसार में किसी से मोह नहीं रहता, न समाज से रहता, न परिवार से रहता, न अपनों से, सब सम्मारा है। क्योंकि इसका प्रमाण दिया है काकभूषण जी ने गरुड़ जी से कहा रामचरितमानस के उत्तर कांड में कि बिनु सतसंगत हरि कथा तेहि बिनु मोहन भाग। सत्संग और भगवान की कथा के बिना मोह की निवृत्ति नहीं होती। बिनु सत्संगत हरि कथा ते बिन मोहन भाग के मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। और मोह की निवृत्ति के बिना भगवान के चरणों में अनुराग यानी प्रेम नहीं होता। और मिलहिन रघुपति बिनु अनुराग, बिना अनुराग राम जी मिलते नहीं। तो राम जी को पाने का साधन अनुराग है। अनुराग कैसे होगा? जब मोह की निवृत्ति होगी। और मोह की निवृत्ति कब होगी? जब सत्संग और कथा सुनोगे। बात वहीं आ गई। और यही बात यहां कही या गोलक जी ने, महामोह महिषेश विशाला राम कथा काली का कराला। पर एक बात कहूं मुनि, ये जो आपने पूछा कि ये राम एक है कि अलग है, आपसे पहले ऐसे संशय हो चुका है। किसने किया? पार्वती जी ने किया। भगवान शिव ने उनको उत्तर दिया, वही कथा हम आपको सुना रहे हैं। भरद्वाज जी ने कहा, महाराज रुकी रुकी, हमने संशय किया, हम तो जीव हैं, पर पार्वती जी ने संशय कैसे किया? वो तो जग जननी जगदम्बा है, पहले हमें वो बताइए और बाद में हमें राम कथा सुना। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, एक बार त्रेता युग माई, शंभु गए कुंभज रिसिपाई, संग साथी संग साथी जग जननी भवानी, ऋषि पूजे अकेले स्वर जान, पूजे अकेले सर जानी, राम कथा मुनि ब्रज बताने, सुनी महेश परम सुख माने, सुनी महेश परम सुख माने, एक बार त्रेता युग माही,
शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, एक बार त्रेता युग में भगवान शिव ने सती से कहा कि देवी आप हमारे साथ चलोगी? सती ने कहा कहां? शंकर कहने लगे कथा सुने। आप सोचिए कथा का कितना महत्व है। भगवान शंकर कैलाश में विराजते हैं और कथा सुनने को कहा है, कैलाश से चल करके दक्षिण में सागर तट पे अगस्त जी रहते हैं उनके पास आए। कैलाश पृथ्वी का सबसे ऊपर का हिस्सा, ऊंचाई वाला, और सागर तट पृथ्वी का सबसे नीचे का हिस्सा, यानी ऊपर से नीचे आए हैं। किस लिए? कथा सुनने। अब इसका भाव क्या? जब तक हम ऊपर से नीचे नहीं उतरेंगे तब तक हम कथा नहीं सुन पाएंगे। ऊपर मतलब अपने अहम को नीचा नहीं रखेंगे तब तक हम कथा नहीं सुन पाएंगे। कथा में आ जरूर जाएंगे कि भाई चंद्रा जी ने बुलाया है और हमारे परिचित हैं, वो मुंबई से यहाँ आके उन्होंने कथा का आयोजन करवाया है तो हमें जाना है, जाके आए भले, नहीं तो 10 मिनट आधा घंटा मुंह भी दिखा के आए, ये तो कहेंगे कहाँ आए थे। देखिए मुंह दिखाना और कथा सुनना अंतर होता है। एक बात कहूंगा डॉक्टर मां, बड़े लोग जब कथा करवाते हैं ना, हम तो बड़े छोटों सबको सबकी कथा गाते हैं, पर जब बड़े लोग कथा करवाते हैं तो उनके या बड़े लोग खाली मुंह दिखा नहीं आते हैं, वो कथा सुनने नहीं आते। उनके यहाँ क्या होता है कि जाएंगे नहीं जाएंगे तो वो कहेंगे आए, नहीं तो ठीक है आए, आगे आगे थोड़ी देर बैठे, और लास्ट समय आते हैं कथा की आरती से आधा घंटा पहले आते हैं बैठते हैं, और जब कथा आरती होती उससे पहले बस इतनी होती है। क्योंकि किसको सुनने के लिए पहले त्यागना पड़ता है। जो श्रद्धा सम्मल रहित नहीं संतन कर साथ, शब्दों को ध्यान दें, मानसकार कहते हैं, जो श्रद्धा सम्मल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनको मानस अगम अति जिनहीन प्रिय रघुनाथ। जिसके हृदय में श्रद्धा नहीं है और जिसने कभी संत का साथ नहीं किया, उनके लिए ये राम जी की कथा बहुत दूर की कौड़ी है कि जिनको राम जी प्रिय नहीं है। राम प्रिय हो, राम के चरणों में प्रेम हो, कथा जरूर उतरती है हृदय, इसमें कोई डो राय नहीं। शिव ने कहा चले सती, शंकर जी के साथ चली, अगस्त जी के आश्रम में आई। अगस्त जी ने शंकर जी का पूजन किया। अब यही गड़बड़ हो गई, जैसे ही अगस्त जी ने पूजन किया, सती सोचने लगी कि जो हमारी पूजा कर रहा वो कथा क्या सुनाएगा, जो हमारी पूजा कर रहा है वो कथा क्या सुनाएगा। पर देखिए वक्ता श्रोताओं को प्रणाम करता है, वक्ता अगर श्रोता को प्रणाम करता है तो किस भाव से करता है? हमारे लिए आप परमात्मा स्वरूप हो। कैसे? आप लोग आते हो चल के घर से और कथा सुनते हो, तभी तो हम कथा सुनाते हैं, और अगर कोई नहीं आएगा तो? अब आए हैं तो सुनाएंगे, लेकिन करवाने वाले का आयोजक सफल नहीं और हमारा गाना सफल नहीं, तो सफल कब होता है? जब श्रोता होते हैं। तो श्रोता देवतुल्य हैं,
आप हमारी योग्यता पे नहीं आए हैं। अगर हम ये सोचें कि हमारी योग्यता को देख के आप आए तो हम महामूर्ख हैं। आपकी कृपा है महाराज श्रोताओं की, इसलिए वक्ता को प्रणाम करना चाहिए। अगर जी ने पूजा की, सती ने सोचा जो पूजा कर रहा है कथा क्या सुनाएगा, और शंकर जी से कहा देव आगमन का कारण बताइए, शिव ने कहा कथा सुनने आए, राम कथा मुनि बर्ज बखानी, राम कथा सुनाई। और सुनी महेश, भगवान शंकर जी ने सुनी, परम सुख माने। सती ने सुनी नहीं, श्रोताओं में नाम काट दिया। भगवान शिव अगर जी को राम जी की भक्ति देके विदा लेके चले, जिस रास्ते से जा रहे हैं वापस कैलाश में, विचार करें जिनकी कथा सुनी उनके दर्शन हो जाए तो आनंद हो जाए। विचार करते जा ही रहे थे और एकदम से सामने से राम जी और लखन जी आए। मुझे गोस्वामी जी कहते हैं शंभु समय तब राम ही बे उपजाहिय अति हरस भिषेका, बारी लोचन बारी लोचन चबिश मय जान कीन चिन्हारी, जय सचिदानंद सचिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज नसावन, अस कहीं चले मनोज नसावन, भगवान शिव जा रहे थे एकदम से सामने राम जी लखन जी आए, राम जी सियाजी को विरोग में विलाप कर रहे थे, उस छवि को देखा। भगवान शंकर ने राम जी को प्रणाम किया, कहा सचिदानंद भगवान की, ऐसा कह के पास से शंकर निकल गए। अब आप ये संशय न करें कि शंकर जी कथा सुन के आ रहे हैं और ये सामने से राम जी लखन जी कहां से आ गए। जो रामचित को नहीं सुना है या नहीं पढ़ा है उनके मन में संशय हो सकता है, तो हम आपको कह दें हर कल्प के त्रेता युग में राम अवतार होता है। तो पिछले कल्प के त्रेता युग में जो भगवान का अवतार हुआ था उस कथा को तो शंकर जी और सती सुन के आ रहे हैं, पर इस कल्प के त्रेता युग में राम जी का पुनः अवतार हो चुका है और राम जी लीला कर रहे हैं। इसलिए शंकर जी ने सोचा कि जिनकी कथा को मैंने सुना है वो इस समय लीला कर रहे हैं, अगर उनके दर्शन हो जाएं तो मेरी कथा सुनी सार्थक हो जाए। हृदय विचारत जात हर कई विधि दर्शन होई, कि गुप्त रूप अवतरे हूं प्रभु जान गए सबको। ये विचार करते हुए जा ही रहे थे और एकदम से सामने राम जी आए। तो समय नहीं है खड़े होके बात करें, इसीलिए कुछ समय जान किन चिन्हारी इशारा करके प्रणाम किया कि जय सचिदानंद जग पावन, सचिदानंद भगवान की, ऐसा कह के चले गए। रुके नहीं, पर मन में भाव था दर्शन का, दर्शन हो गए तो शरीर पुलकायमान हो गया, चल रहे तो पांव सीधे नहीं पड़ रहे,
शंकर जी की इस दशा को देखा तो सती विचार करने लगी, भोलेनाथ को क्या हो गया? ये वो राजकुमार है जिनकी पत्नी का किसी ने हरण कर लिया, वो अपनी पत्नी के वियोग में विलाप कर रहे हैं और शिव ने उनको सचिदानंद कहा। सचिदानंद तो ब्रह्म है, ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनि अभेद, सो की दे धर होइ नर जाहि न जानत वेद। ब्रह्म तो व्यापक है, अजन्मा है, बुद्धि से गुणों से परे है, वो मनुष्य रूप धरेगा कैसे? और फिर विचार क्या आ रहा है, शंभु का पुनिमरसान हो सर्वज्ञ जान सब कोई। शंकर जी ने कहा वो झूठ नहीं हो सकता क्योंकि शंकर तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले हैं। मान मन के अंदर सची के बार बार संशय हो रहे हैं, बार बार विचार उठ रहे हैं। या गोस्वामी जी ने कहा यद्यपि न प्रगटई कयो हूं भवानी, सती ने प्रगट रूप से शंकर जी को कहा नहीं पर सब जानूं हर अंतर्यामी, शंकर सब जान गए क्योंकि शंकर अंतर्यामी है। सती से कहने लगी देवी जासु कथा कुंभज ऋषि गाई और भगत जासु में मुनि सुनाई, जो कथा कुंभज जी ने गाई अब सुनी नहीं तो क्या गाई? आप लोग यहाँ आए हो, आज पहला दिन है, कथा सुन के घर जाओगे तो आपके जो पड़ोसी हैं या जो भी मित्रगण हैं खेत में कोई काम गए होंगे, शाम को मिलोगे तो कहेंगे आज कथा शुरू हुई गांव में, आप गए थे क्या? तो आज महाराज ने क्या सुनाया? अब अगर आपने ध्यान से सुना है तो कुछ तो पूरा, न तो आधा तो बताओगे, और अगर सुना है नहीं तो कहोगे महाराज हा 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 कर तो रिया हा कहीं था कहीं कहता राम जाने है भाई रे। अब क्या गाया क्या सुनाया? सती ने सुना ही नहीं तो क्या सुनाया? शिव कहने लगे वही मेरे इष्ट राम जी हैं जिनको मुनि योगी धीर ज्ञानी हर क्षण जपते हैं। अब शंकर जी समझा रहे हैं, जब सती के बात समझ नहीं आई तो अंत में शिव ने कहा जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाय परिछाने, जैसे मिटे मां भ्रम भारी करहूं सो जतन जतन भी बेक विचारी, करहूं सो जतन विवेक विचारे, का अगर आपके मन में ज्यादा ही संशय संदेह है तो एक काम करो जाके परीक्षा ले लो। और जैसे ही सती परीक्षा लेने चली, शिव ने कहा परीक्षा लोगी? सती ने कहा आप ही तो कह रहे परीक्षा ले लो, तो कहा ठीक है जा तो रही हो पर जिनकी परीक्षा लेने जा रही हो मेरे आराध्य इष्ट है, इसलिए विवेक का परित्याग ना करियो। करहूं सो यतन विवेक विचारी, सती चली पर शंकर जी मन में विचार करने लगे आज सती ने हमारी बात को माना नहीं, इया संबुरदय अनुमाना दक्ष सुता कर नहीं कल्याण। शंकर जी मन में विचार करने लगे लगता है सती का कल्याण नहीं, आज हमारी बात नहीं मानी। फिर सोचा हम क्यों इतना चिंता करें, क्यों हो यही सोही
राम रची राखा हो यही सोई राम रची राखा हो यही सोई राम रची राखा को करी तर्क बड़ा वही साखा अस कहीं जपना लगी हरी नामा अस कहीं जपना लगी हरी नामा सती कहीं जहां प्रभु सुख धामा चिराका को करी तर्क बड़ा वही साका शिव ने सोचा होगा वही जो मेरे प्रभु को मंजूर है तो क्यों इतना विचार करें देखिए हम जब कभी कोई काम करते हैं उसमें हमें सफलता नहीं मिलती है तो हम निराश होकर यही कहते हैं कि भी भगवान की मर्जी है भगवान जो चाहा पर मानस के दो सोपान में परस्पर विरोधी पंक्तियां हैं डॉक्टर यहां भगवान शंकर कहते हैं हो ही सो ही राम रचि राखा और वहां अयोध्या कांड में देवताओं के गुरु बृहस्पति जी कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करि राखा जो जस करहि सो तस फल चाखा ये संसार कर्म प्रधान है जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल मिलता है तो सही क्या करें भगवान के ऊपर ही बैठे रहे हो ईशो ही राम रचि राखा या कर्म प्रधान विश्व करि राखा देखिए कर्म प्रधान है लेकिन कर्म के आधार पे अगर उसका फल न मिले तब हम कह सकते हैं हो ईशो ही राम रचि राखा आपने कथा हमसे ली समय लिया और समय लेने के बाद में ठीक है महाराज जी के समय ले लिया और आप कुछ नहीं करते तो हम कथा कहां बैठ के गाते और आते तो आ कह देते महाराज आप ही ने कहा हो सो ही राम रचि राखा बैठ जाओ खेजड़ी के नीचे हो जाओ शुरू हो सो ही राम रचि राखा तो होगा नहीं होता आपने कथा लेने के बाद में कर्म किया है अपनी तरफ से पूरा पुरुषार्थ किया जितना करना था पूरी मेहनत शामियाना लगाया प्रचार किया लोगों को सूचित किया सूचनाएं भेजी आग्रह किया अब कितने लोग आ पाते हैं हो ईशो ही राम रचि राखा ये ध्यान रखें पर कर्म करने के बाद में उसका अनुकूल कर्म के जितना अगर उसका परिणाम नहीं मिलता है तो कभी दुखी ना होइए ये पंक्ति इसीलिए है आपने खूब मेहनत की अगर फिर भी उसके अनुरूप लोग नहीं आए तो आप कभी इस चीज को लेके दुखी ना होइएगा उस समय आपको यही सोचना है कि हो ही सोई राम रचि राखा आपके सोचने से और मेरे सोचने से नहीं होगा आपके द्वारा इस कथा का आयोजन होना था यह पूर्व में निर्धारित था
और इस शरीर से यहां बैठ के कथा को गाना है, ये भी निर्धारित था पहले से। और इस कथा पंडाल में कितने लोग आके बैठ के सुनेंगे, ये भी पूर्व में निर्धारित है। तो फिर चिंता किस बात की करनी, बोलिए। तो क्या करना चाहिए कि इस पंक्ति के नीचे एक पंक्ति है कि अस कहीं जपन लगे हरि नाम। बस अब भगवान का नाम जपें, बाकी दिमाग न लगाएं, कर्म करें और भगवान के ऊपर छोड़ दें और हरि नाम जपें। बस क्योंकि जो भी करना है वही करने वाला है। मन सीताराम ए सीताराम रट रे, हे भाई रट रे, तेरे संकट जाएंगे कतरे। मन सीताराम सीताराम रट रे आ रट रे, तेरे संकट जाएंगे कतरे। मन सीताराम सीताराम रट रे भाई रट रे, तेरे संकट जाएंगे कतरे। मन सीताराम सीताराम रट रे आ रट रे, तेरे संकट जाएंगे कतरे। जुल्म कमाया कुछ, जुल्म कमाया प्रहलाद जी को बहुत सताया, प्रहलाद जी को बहुत सताया, प्रहलाद जी को बहुत सताया, प्रहलाद जी को बहुत सताया। आए नरसिंह खंभ गया पतरे, हाँ पतरे, तेरे संकट जाएंगे कतरे। आए नरसिंह खंभ गया पतरे, हाँ पतरे, तेरे संकट जाएंगे कतरे। मन सीताराम सीताराम रट रे, ए भाई रट रे, तेरे संकट जाएंगे कतरे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कतरे। अब जाए न कष्ट सहारे, अब जाए न कष्ट सहारे, द्रौपदी ने वचन कहा रे, द्रौपदी ने वचन कहा रे, द्रौपदी ने वचन कहा रे, द्रौपदी ने वचन कहा रे। दुशासन का ये
दुशासन का बल गया कतरे आगतरे तेरे संकट जाएंगे कतरे दुशासन का बल गया कतरे आगतरे तेरे संकट जाएंगे कतरे मन सीताराम सीताराम रतरे रतरे तेरे संकट जाएंगे कतरे मन सीताराम सीताराम रतरे रतरे तेरे संकट जाएंगे कतरे गज को कर लिया बल में ग्राह गज को कर लिया बल में हरि टेर सुनी थी जल 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 में प्रभु पल में प्रभु पल में हुए प्रगट रे अप्रगट रे तेरे संकट जाएंगे कतरे प्रभु पल में हुए प्रगट रे अप्रगट रे तेरे संकट जाएंगे कतरे मन सीताराम सीताराम रतरे ए भाई रतरे तेरे संकट जाएंगे कतरे मन सीताराम सीताराम रतरे हार तेरे तेरे संकट जाएंगे कतरे हरिदास को संगति तजले हरिदास को संगति तजले नित सत संगति में सजले 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 बजले श्री नागर नटरे आनतरे तेरे संकट जाएंगे कतरे बजले श्री नागर नटरे आनतरे तेरे संकट जाएंगे कतरे मन सीताराम सीताराम रतरे हार तेरे तेरे संकट जाएंगे कतरे मन सीताराम सीताराम रतरे हार तेरे तेरे संकट जाएंगे कतरे अस कहीं जपन लगे हरि नामा सती गई जहां प्रभु सुख धामा भगवान का नाम सुमिरन करें
जो हम चाहते हैं, देखिए एक बड़ा सुंदर सूत्र है, हम कई बार कथा में कहते हैं, भगवान साधक को कहते हैं तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तो साधक भगवान को कहता है प्रभु मैं करूं क्या, तो भगवान कहते हैं तू कर वही जो मैं चाहता हूं तो होगा वही जो तू चाहता है। अगर हम भगवान चाहें जैसा करते रहें, हरि नाम जपते रहें, तो मन की जो इच्छाएं हैं वो परमात्मा स्वतः ही पूरी करेगा। विभीषण जी जब आई राम जी की शरण में, तो आते ही राम जी ने विभीषण जी को लंका का राज दिया। तो विभीषण जी ने क्या कहा, प्रभु मुझे ये नहीं चाहिए, उर कछु प्रथम वासना रही, पहले कुछ वासना थी अभी नहीं है, पर वो वासना थी उसको पूरा किसने किया, राम जी। अगर मन के अंदर कुछ इच्छा है और भगवान का नाम सुमिरन करना शुरू कर दो तो इच्छाएं खत्म हो जाएगी, लेकिन जो कुछ काल पूर्व इच्छा थी उस इच्छा को भी मेरा परमात्मा पूरी जरूर करता है। सती चली विचार करने लगी कैसे परीक्षा लूं, फिर सोचा वो सीता सीता करके ढूंढ रहे हैं तो क्यों ना मैं सीता का रूप धर लूं, और सीता जी का रूप धर के उस रास्ते के आगे जाके खड़ी हो गई जहां से राम जी लक्ष्मण जी दोनों आ रहे थे। जो ही मेरे प्रभु ने सती को सीता जी के वेश में देखा, पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं सती का पाते जाने सूर स्वामी, समदर सी हरि अंतरया, सुमिरत दासु मिटै आगाना, सुमिरत जासु मिटै आगाना, सोई सर्व सोई सर्व के राम भगवान, जोरी पानी जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम, प्रभु किन प्रणाम, पिता समेत दिन निज नाम, कहे हूं बहोरी कहां प्रसके तो, विपिन अकेली विपिन अकेली फिरई के तो,
जो ही राम जी ने सती को सीता के रूप में देखा, सती कपट जानहु सुर स्वामी। राम जी सती के कपट को जान गए, पर किस नाम से संबोधित करें, सीता कहें कि सती कहें, तो न तो सीता का न सती का। दोनों हाथ जोड़ के राम जी ने कहा, मैं दशरथ नंदन राम आपके श्री चरणों में प्रणाम करता, कहे हूं बहोरी काम वृष केतु। और फिर कहा, भोलेनाथ कहाँ है, विपिन अकेली फिर ही कही हेतु, और आप अकेली क्यों घूम रही हो। मैं शंकर कर कहा न माना, मैंने शिव की बात को माना नहीं, निज अज्ञान राम पर आना, अपने अज्ञान को राम जी पे आने दिया। अब जाऊंगी, शंकर पूछेंगे तो क्या उत्तर दूंगा, जाय उत्तर अब देहूं कहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। फिर सोचा जाना तो है ही, और जैसे ही सती चली तो राम जी ने सोचा, सती मेरी माया से भ्रमित हुई तो सती को थोड़ा माया का दर्शन कराएं। तो जिस रास्ते से सती जा रही, मेरे प्रभु ने क्या को तो किया, सामने से राम लखन जानकी आ रहे हैं। सती ने सोचा, ये तो दो ही थे, सीता जी को तो ढूंढ रहे थे, इनके साथ सीता कैसे। और घूम के पीछे देखा, हमने तो इनको पीछे छोड़ा था, पीछे देखा तो उधर भी राम लखन जानकी जा रहे हैं, बाई तरफ देखा तो राम लखन जानकी, दाई तरफ देखा तो राम लखन जानकी, भगवान राम जी के विराट स्वरूप को देखा, पूरा चर अचर संसार घूम रहा। सती ने अपने आप को भी पाया और भयभीत होके क्या है, आंख बंद करके वहीं बैठ गई। और थोड़ी देर बाद में आंख खोली तो न राम जी है, न लखन जी है, न जानकी जी। वहां से सीधी भाग के शंकर जी के पास आई, गई सती महेश पहिहंस पूछ कुशलात। जैसे ही शंकर जी के पास आई तो भगवान शंकर ने हंस के पूछा कि लीन परीक्षा कवन विधि, आपने परीक्षा कैसे ली, सत्य कहूं सब बात, हमें सब सही सही सत्य कहें। अब सती राम जी के प्रभाव को जान गई थी, इसलिए शंकर जी से कहने लगी, कछुन परीक्षा लीने गोसाई, हमने कोई परीक्षा नहीं ली, मतलब की न प्रणाम तुम्हारी नाई, कछु न परीचा लीने गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, तब शंकर देखूं धर ध्याना, सत जो चरित कीन सब जाना, तब शंकर देखूं धर ध्याना, सत जो चरित कीन सब जाना, अब जो करहं सत्य सन प्रीति मिटई भगति पत होई अनीति, हा मिटई भगति पत होई अनीति,
कछु न परीक्षा ली न गोसाई, हमने तो कोई परीक्षा नहीं ली। तो आप गई नहीं? गई तो क्यों गई? कहा गई तो थी परीक्षा लेने, पर आधे रास्ते गई तो सोचा आपने कहा जो झूठ थोड़ी हो सकता, तो फिर क्यों गई? क्योंकि आपके साथ आ रही थी तो आपने तो उनको प्रणाम किया था, हमने प्रणाम नहीं किया, हमारे प्रणाम बाकी थे। तो कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं, आपकी तरफ प्रणाम करके आ गई। अब सती ने बात को छुपा दिया, शंकर जी ने सती के सामने देखा तो शंकर समझ गए कि सती कुछ हमसे छुपा रही है। तो सती से तो कहा नहीं क्या छुपा रही हो, पर तब शंकर देखूं धरि जाना, शंकर जी ने ध्यान लगा के देखा और सती जो चरित कीन सब जाना, सती ने जो चरित किया सब जान गए। सोचने लगे, सती ने हमारी जानकी मां का रूप धरा, अब जो करो सती सन प्रीति, अब सती के साथ में ग्रस्त जीवन रखें, मिटही भगति पत हो या नीति, तो मेरा सुति मार्ग नष्ट हो जाएगा, क्या किया जाए। फिर सोचा, बौरी रामही माया सिरु नावा, प्रेरी सती जेही झूठ कहावा। भगवान की माया को प्रणाम किया कि पहले तो सती ने हमारी बात को माना नहीं, आपके ऊपर संशय किया और अब झूठ बोल गई। लगता है हरि इच्छा भावी प्रभा बलवाना, हृदय विचारत सम सुजाना। हरि इच्छा, भगवान की इच्छा कोई अलग ही है, पर अब करें क्या। और मन में संकल्प लिया कि इस शरीर से सती के साथ में ग्रस्त जीवन नहीं, और सती का त्याग किया। और जैसे ही सती का त्याग किया, आकाशवाणी हुई, जय हो जय हो जय हो भोलेनाथ, आपके जैसा राम जी का अनन्य भक्त और कौन हो सकता है। सती ने कहा, ऐसा आपने क्या किया, ऐसा क्या संकल्प लिया जो आकाशवाणी हो रही, जय जयकार हो रही है। शिव ने कुछ कहा नहीं, बातें करते हुए कैलाश में आए, और जो ही कैलाश में आके भगवान भोलेनाथ बैठे, सती वाम भाग में आके बैठने को तैयार हुई, तो शिव ने कहा यहाँ नहीं सामने बैठो। और जो ही सामने बैठने का कहा, और सती समझ गई। गोस्वामी जी ने यहाँ लिखा, सती हृदय अनुमान किए सब जानो सर्वज्ञ, कीन कपट में संभुसन नारी सहज जड़ अज्ञ। भगवान शंकर सब जान गए, मैंने शिव से कपट किया है। भगवान शंकर ने अपने स्वरूप का ध्यान किया, समाधि लग गई। अब सती बैठी कैलाश पे, अपने मन का दुख कहे तो किसे कहे, विचार करी सती, कह रही मैं जो कीन रघु पति अपमाना, पति वचन मृषा करे जाना, सोपल मोई सोपल मोई विदाता दीना, जो कछु कछु युती तेरा सोईना, हरि दीन दयाल कावा, आरत अरन वेद अस गावा, तो में विनय तो में विनय करम कर जोरी, छूटी बेगी दिए मोरी।
दई बेगी दे प्रजेश कुमारी अकतनीय दुख दारुण बारी बीते समत सस सत्यासी छूटी समाधि शंभु अविनाशी राम 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 शिव सुमिरन लागे मानहु सती जगतपति जागे सती अकेले बैठी मन में विचार कर रही है, सबसे पहले हमसे गलती हुई, हमने राम जी का अपमान किया। मैं जो कीन रघुपति अपमान, राम जी का अपमान कैसे किया? शंकर जी के साथ में जब आ रही थी तो शिव ने राम जी को प्रणाम किया पर सती ने किया नहीं। पहला तो राम जी का अपमान किया, दूसरा पति की बात को सत्य नहीं माना। आज ये जो मेरी स्थिति हुई है, शिव ने मुझे त्यागा है, मैं किसी को दोष नहीं दे रही हूं, ये कितनी यदि की बात समझने वाली है। कथा सुनने से जीवन की व्यथा मिटती है, ध्यान रखें। संत के पास जाने से संत आपका भाग्य नहीं बदलेगा, कथा आपका भाग्य नहीं बदलेगी, लेकिन कथा और संत आपका भाव बदल देंगे। और जब भाव बदल जाता है तो व्यक्ति दुख में भी सुख की अनुभूति करता है, बस यही अंतर है। भाग्य नहीं बदला जाता, भाव बदल जाता है। जैसी परिस्थिति होगी वो व्यक्ति आनंद में रहेगा, दुखी नहीं रहेगा। बस सुनी नहीं, पति की बात को माना नहीं। तो यह सती कह रही है कि मैं किसी को दोष नहीं दे रही हूं, ये मेरे अपने किए हुए कर्म का फल ही मुझे मिला है। पर प्रभु गलती किसे नहीं होती, गलती तो होती है, गलती मनुष्य से होती है, लेकिन आप तो दीन दयाल हो, दुखियों के दुखों को मिटाने वाले हो, तो आप मुझ पर कृपा करें और कुछ ऐसा करें कि ये मेरा शरीर छूटे, मैं दूसरा जन्म लूं और पुनः शिव को पति रूप में पाऊं। ये प्राशित करते करते सती को 87,000 वर्ष बीत गए और शंकर जी की समाधि टूटी। शिव ने राम राम सुमिरन किया, सती ने पास में जाके वंदन किया। सन्मुख शंकर आसन दीना, सामने बैठने का इशारा किया शंकर जी ने, सामने बैठी सती। सती के दुख को देख के शंकर जी कथा सुनाने लगे ताकि सती का दुख कम हो। पर याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, मुनि उसी समय
सब तरह से योग्य जान के ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति का पद दिया। बड़ा पद, बड़ा अधिकार मिला। दक्ष को अहंकार आया। यहां पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं, कौनैया से जन्मा जग माई, कौनैया से जन्मा जग माई, प्रभुता पाई, प्रभुता पाई जाए बदनाई, प्रभुता पाई जाए अदनाई, को नहीं अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाही मदनाई। आज तक संसार में कोई ऐसा नहीं जन्मा कि जिसे प्रभुता मिली है और अहंकार नहीं आया। पद प्रतिष्ठा खराब नहीं है, लेकिन उसकी आसक्ति खराब है, ध्यान रखें। और उसकी आसक्ति व्यक्ति को अहंकारित बना देती है, अहंकार युक्त। दक्ष को अहंकार आया, यज्ञ का आयोजन रखा, सबको निमंत्रित किया है, पर शंकर जी और सती को बुलाया नहीं। देवता जा रहे थे, कैलाश के ऊपर से जा रहे बतियाते हुए, इनका उपचार करो भाई, ये कथा करने ही नहीं दी। अब धनजी पीछे खड़े रहो वहीं, बस बटालियन को लेके बस पीछे खड़े रहो। सती ने शंकर जी से पूछा कि बाबा ये देवता सब कहाँ जा रहे हैं। शिव ने कहा आपके पिता के यहाँ यज्ञ है, ये सभी देव उस यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे हैं। सती ने हाथ जोड़ के भोलेनाथ से कहा, पिता भवन यो सब परम जो प्रभु आयसुदेव, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर दे कनसो। पिता के यहां यज्ञ है और अगर आप आज्ञा करें तो हम उस यज्ञ में सम्मिलित होने जाएं। शिव ने कहा आपका विचार तो ठीक है, पर कहूं नीक मोरे मनु भावा, कहूं नीक मोरे मन भावा, कहूं नीक मोरे मनु भावा, यह अनुचित निहनिवत पठावा। यह
दक्ष सकल निज सुता बुलाई हमरे बयर तुम बिसुराई जो बिनु बोले जाऊ भवानी जो बिनु बोले जाऊ भवानी रहीन सीले सने उन काने यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु के जायउ पिनुही बुलाई न संदेहा तद्यपि विरोध मान जा कोई विरोध मान जा कोई का गए कल ज्ञान न हो ता गए बाती अनेक समु समुझा बावी बस युरे ज्ञान आवा बावी बस युरे ज्ञान भगवान शिव कहने लगे सती अगर आप हमसे पूछती हो तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। आपके पिता ने अपनी सभी पुत्रियों को निमंत्रण दिया है पर हमसे थोड़ा वैर भाव रखते हैं इसलिए हमारे पीछे तुम्हें बुलाया नहीं है तो मेरी मानो आपको नहीं जाना चाहिए और अगर बिना बुलाए जाओगी तो सम्मान नहीं रहेगा। सती ने कहा पिता के यहाँ बेटी को बुलाने की कहाँ जरूरत। शिव ने कहा तुम ठीक कह रही हो यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गया जाहू बिनु ही बुलाई न संदेहा। पिता के यहाँ गुरु के यहाँ मित्र के यहाँ और भगवान के मंदिर बिना बुलाए जाना चाहिए कोई आपत्ति की बात नहीं है बुलाने की जरूरत नहीं है लेकिन यहां जाने पे हमारा कोई विरोध करता हो तो वहां जाना कल्याणकारी नहीं होता। अनेक प्रकार से शिव ने समझाया पर जब बात सती के समझ में नहीं आई तो अंत में शिव ने कहा ठीक है आपकी ये इच्छा है तो जाओ। गणों को साथ में दिया और विदा किया। सती पिता के यहां आई पिता भवन जब गई भवानी दक्ष त्रास काहुन सन्मानी सादर भले मिली एक माता और भगनी मिली बहुत मुस्काता।
एक माँ प्रेम से मिले, बाकी कोई ढंग से मिला नहीं, दक्ष के डर से। सती पति त्याग से दुखी तो थी, सोचा पीहर जाऊंगी, सबसे मिलूंगी, कुछ मन हल्का होगा, पर वहां सबकी उपेक्षा का शिकार हुई। सोचा आई हूं तो यज्ञ के दर्शन करके वापस जाऊं, और जैसे यज्ञशाला में गई तो जैसे यज्ञशाला को देखा तो सभी देवताओं के यज्ञ भागते, पर भगवान शंकर का नहीं था। देखिए यहां एक बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है पूज्य गोस्वामी जी ने, जदपि जगदारुण दुख नाना सबते कठिन जाति अवमाना। ऐसे तो संसार में बहुत दुख है, लेकिन जाति अवमानना सबसे कठिन दुख है। मैं एक बात पूछूंगा आपसे कि हम रात दिन मेहनत करके रुपया क्यों कमाते हैं, बताइए जांगीर साहब। आप यहां मारवाड़ छोड़ के मस्कट गए हो, विदेश में रहते हो, घर छोड़ा, गांव छोड़ा, क्यों कमाते हो पैसा? आदमी रात दिन रुपया क्यों कमाता है? खाने को तो दो समय रोटी चाहिए और तन पे एक कपड़ा चाहिए। दो कपड़े कुर्ते हो तो ठीक है, एक को धो दो, एक को पहनो, एक को धोको, एक को पहनो, और रोटी जो भी मिल जाए खा लो। तो उसके लिए इतनी मेहनत करने की कहां जरूरत है? वो तो यहाँ पे भी छोटा मोटा काम करके हो सकती है, फिर इतनी मेहनत करके पैसा कमाने की कहां जरूरत है? क्योंकि समाज में अपनी प्रतिष्ठा के लिए व्यक्ति रात दिन कमाता है। तन तो एक अगर साधारण सा कपड़ा अगर 20 रुपए मीटर वाला भी पहनेगा ना कोई साधारण घर से टांके लगा के, तो तन ढक जाएगा। लेकिन हम 1000 रुपए 2000 रुपए मीटर का कपड़ा बढ़िया दर्जी से सिला के, फिर उसको धुला के, बढ़िया चरक प्रेस करके, टिप टॉप होके पहनते, क्यों? प्रतिष्ठा के लिए। रहने को तो एक खाट चाहिए, सोने में खाट ही चाहिए, एक 6x3 की जगह चाहिए सोने को। परम कमरे बनाते हैं, बड़े बड़े भवन बनाते हैं, किस लिए? समाज में प्रतिष्ठा के लिए। और रात दिन व्यक्ति जिसके लिए मेहनत करता है वो उसकी है नहीं। अरे माया तेरी बहुत कठिन है राम, दुख में सुख दिखला के बनाती, दुख में सुख दिखला के बनाती, बड़ो बड़ो को गुलाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है दुख में सुख दुख में सुख दिखला के बनाती, दुख में सुख दिखला के बनाती, बड़ा बड़ा को गुलाम। Thank you.
रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चांद, चढ़ा हुआ है चांद, देखकर उसी की सुंदरता को देखी उसी की सुंदरता को ओ जाती बहुत कठिन है दुख में सुख दिखे लाके बनाती दुख में सुख दिखे लाके बनाती बड़ा बड़ा को गुलाम माया तेरी बहुत कठिन है राम हे माया तेरी बहुत कठिन करता नित्य विरोध क्रोध का करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम कहता बुरा परिणाम होता बहुत कठिन है दुख में सुख दिखे लाके बनाती दुख में सुख दिखे लाके बनाती बड़ा बड़ा को गुलाम माया तेरी बहुत कठिन है राम माया तेरी बहुत कठिन भवन बनता भवन बनता ऐसे जैसे भवन बनाता
माया तेरी बहुत कठिन है राम। दुख में सुख दिखला के बनाती, दुख में सुख दिख लाके बनाती, बड़ा बड़ा को गुलाम माया तेरी बहुत कठिन राम। माया तेरी बहुत कठिन है सुंदर बात। दुख में सुख दिखला के बनाती, बड़ों बड़ों को गुलाम माया तेरी बहुत कठिन है। इस माया के बस में है तभी तो रात दिन महाराज लगे रहे हैं। बाकी चाहिए क्या, दो समय रोटी और तन ढकने को एक कपड़ा। परम रात दिन इसलिए कमाते हैं प्रतिष्ठा के लिए। और यही बात यहाँ पूज्य गोस्वामी जी ने लिखी कि यद्यपि जग दारुण दुख नाना सबते कठिन जाति अवमाना। जाति अवमाना सबसे कठिन दुख है। ऐसे तो दुख बहुत हैं। सती ने सोचा अब वापस जाऊंगी, शंकर जी कहेंगे कि यज्ञ दर्शन करके आ गई तो क्या कहूंगी, आपका तो वहां यज्ञ स्थान ही नहीं है। और ये विचार करके मंच पे आई, कहने लगे हे सभासदों सब ध्यान से सुनो, जिस जिसने शिव की निंदा की, जो जो निंदा में सम्मिलित हुए सभी दंड के अधिकारी हैं, क्योंकि हरि हर गुरु माता पिता इनकी कोई निंदा करें, बसई तासु जीव कटाई श्रवण मूंद नत चलो पर आई, बस चले तो उसकी जीव काट दो और नहीं तो कान पे हाथ दे के वहां से चले चलो। आप लोग सब शंकर जी की निंदा में सम्मिलित हुए सभी दंड के अधिकारी, ये दंड के अधिकारी मेरे पिता भी हैं और उनके शुक्र से मेरा प्रागट्य मैं भी, ऐसा कहके योग अग्नि से सती ने अपने शरीर को त्याग दिया। और जैसे ही सती ने शरीर त्यागा, सती मरण संभुगन करन लगे मग कीश के यज्ञ विध्वंस बिलोक की प्रभु रक्षा की न मुनि से। प्रभु जी ने यज्ञ की रक्षा की। नारद जी के द्वारा शंकर जी को समाचार मिला और शिव ने कोप करके जो दक्ष वीरभद्र नाम के गण को भेजा, दक्ष का सर काटा। जो गति दक्ष के यज्ञ की दक्ष की हुई वह सब शिव पुराण में वर्णित है, कुछ गोस्वामी जी ने मानस में नहीं लिखा। या तो तुलसी जी ने सीधा लिखा कि सती ने शरीर त्यागते समय भगवान से कहा, सती मरत हरी सनवर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, एक कारण हिमगिरि ग्रह जाई जन्म पार्वती तन पाई। एक कारण हिमगिरि ग्रह जाई जन्म पार्वती तन पाई। जब ते उमा जब ते उमा शैल ग्रह जाई सकल सिद्धि संपत्ति तन।
जब ते उमा सैलक जाई सकल सीधे संपति सती मरत हरिसन वर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती ने शरीर त्याग के समय भगवान से प्रार्थना की जहां जन्म हो मेरा शिव मुझे पति रूप में मिले और उस शरीर को त्याग के दूसरा जन्म हिमाचल जी के यहाँ पार्वती की रूप में लिया। जिस दिन से पार्वती जी का जन्म हुआ हिमवान के यहाँ तो सकल सिद्धि संपत्ति तह छाए। ऋषियों के मुनियों के महात्माओं के आकर्षण का केंद्र बन गया हिमवान, सबको यथा योग्य स्थान दे रहे हैं। ये समाचार नारद जी को मिला। नारद जी हिमालय के हिमवान के यहाँ आए। हिमवान ने नारद जी के चरण पखारे, पूजन किया, आसन पे बिठाया। उसी समय पार्वती जी आई तो हिमवान हाथ जोड़ के कहने लगे, देव आप तो त्रिकालज्ञ हो, भूत भविष्य वर्तमान सब जानने वाले हो, मेरी बेटी का हाथ देख के बताइए इसको कैसा वर घर मिलेगा। अब नारद जी को जैसे ही कहा इसका भविष्य कैसा है तो नारद जी खिलखिला के हंसे, क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा कह मुनि बिहसी, बिहसी का मतलब खिलखिला के हंसना। कह मुनि बिहसी गुड मधुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सज सुशील सयानी, नाम सब लक्षण संपन्न कुमारे, ओ यही संतत पियहि प्यारे, ओ यही संतत पियहि प्यारे, यही करी नाम सुमिरे संसारा, त्रिय चढ़ही त्रिय चढ़ही पति प्रत्यय सदारा, त्रिय चढ़ही पति अशिधारा, ओ यही पूज सकल जग माहि, यही सेवत कछु दुर्लभ नाहि, अगुनिय मान मातु पितु ही ना,
अस स्वामी एक मिलई अस स्वामी एक मिलई परिहर अस स्वामी एक मिलई परिहर परिहर नारद जी कहने लगे राजन आपकी बेटी सब गुणों में पूर्ण है। गुण कौन से? सुंदर, सहज, सुशील, सयानी। सुंदर होगी पर कैसी सुंदर? सहज सुंदर। सयानी यानी समझदार होगी। एक नहीं आपके बेटी के अनेक नाम होंगे, उमा, अंबिका और भवानी, अनेक नाम से जानी जाएगी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षणों में पूर्ण होगी, पर सबसे श्रेष्ठ लक्षण क्या? कि हो ऐं संतत पिय ही प्यारी, पति की हमेशा प्रिया होगी। ये नारी के जीवन का श्रेष्ठ गुण है। माना ससुराल कितना भी धनी हो, सब सुख सुविधाएं हो, लेकिन पति प्रेम न करें तो वह सब सुख सुविधाएं गौण है। लेकिन भले हो झोपड़ी, लोखी रोटी खाने को मिले, पर पति प्रेम करने वाला, सम्मान करने वाला हो तो वो झोपड़ी भी मेलों से ज्यादा सुखदायी होती है। इसलिए कहा हो यही संतत पिय ही प्यारी। आपकी बेटी पूरे संसार में पूज्या होगी और जो भी इसकी पूजा करेगा उसके कोई चीज की कमी नहीं होगी। इसका नाम ऐसे तो पूरा संसार जपेगा, लेकिन विशेष रूप से नारी वर्ग आपकी बेटी की पूजा करेगी। अब ये तो हमने आपकी बेटी के गुण बताए, लेकिन राजन जहां गुण होते हैं वहां दो चार अवगुण भी होते हैं। अब अवगुण भी सुन लो। तो अवगुण क्या है? अगुण अमान मात पितु हीना उदासीन संशय सब छीना। अगुण जिसमें कोई गुण नहीं या गुणों से परे, अमान जिसका कोई मान नहीं या मान से परे, मात पितु हीना जिसके माता पिता नहीं या अजन्मा, उदासीन किसी कोई इच्छा नहीं, जोगी जटिल यानी जटा वाला, अकाम मन कहीं संसार में मन नहीं, अमंगल वेश को धारण करने वाला, ऐसा पति आपकी बेटी को मिलेगा। अब बताओ पीछे के गुणों के आचार करें। भाई हम अपने घर में कोई कन्या के लिए वर देखने जाएं तो सबसे पहले क्या देखते हैं डॉक्टर मां? सबसे पहले हम देखते हैं कि लड़का, जो भी लड़का है, उसके कपड़े पहनने का सलीका कैसा है, स्नान वनान किए हुए हैं कि नहीं है, बाल वाल ढंग से बनाए हुए हैं कि नहीं है, दाढ़ी बाल कपड़े, कैसा भी घर में रहता हो पर लड़की वाले जब देखने आए तो लड़का तैयार होता है कि नहीं होता है? अब जो कपड़े ही ना पहने, बालों का ठिकाना नहीं, जटा बनी हुई, अब स्नान की कि नहीं की, भस्म लगाई हुई, क्या पता लगे स्नान की हुई कि नहीं की हुई। मारा अब पीछे के गुणों को क्या करें? जैसे ही ये कहा, नारद जी ने तीनों के आंख में आंसू, मैना जी के, हिमवान के और पार्वती जी के, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं स्तुति विलग है। मैना हिमवान के आंख में आंसू इसलिए कि हमारी बेटी इतनी सुंदर कोमलांग और उसको ऐसा वर मिलेगा, बेटी के भविष्य से चिंतित होके माता पिता के आंख में आंसू,
जबकि पार्वती जी की आंख में आंसू इसलिए हैं कि मुनि ने जिस दूल्हे का वर्णन किया है वह सब गुण तो शंकर जी में है, शंकर मिलेंगे जरूर पर कैसे मिलेंगे, खुशी के आंसू हैं। पार्वती जी जैसे ही सखी के साथ गई तो हिमवान ने हाथ जोड़ के नारद जी से कहा, महाराज क्या मेरी बेटी को वास्तव में ऐसा ही वर मिलेगा? आप तो संत हैं, कोई तो उपाय बताइए। तो नारद जी ने क्या उत्तर दिया? कमुनि ससुन हिमवंत जो विधि लिखा लीला, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटना। जो विधि ने बाल में लिख दिया है उसे कोई नहीं मिटा सकता। महाराज तो फिर भी कोई उपाय तो होगा। नारद जी ने कहा एक उपाय है कि क्या? जे जे बर के दोष बखाने, ते सब में शिव में अनुमाने, जो विवाह शंकर सन होई, जो विवाह शंकर सन होई, दो सही गुण सम का सब कोई, समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई, रवि पावक सुर सरी की नाई, नारदी ने कहा राजन हमने जो जो वर के दोष बताए हैं वह सब हमें शंकर जी में दिखते हैं, अगर आपकी बेटी का विवाह शंकर के साथ में हो जाए तो ये जो दोष हैं सब गुणों में बदल जाएंगे। कैसे? कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, सामर्थ्यवान कौन होता है जिसमें कोई दोष नहीं होता। रवि पावक सुर सरीकी नाई, कितना सुंदर उदाहरण दिया, जैसे सूर्य अग्नि और गंगा। सूर्य एक सुंदर उपवन पे भी अपनी किरणें डालता है, एक गंदे नाले पे भी डालता है। अग्नि यज्ञ के लिए भी हम प्रज्वलित करते हैं, भोजन बनाने के लिए भी प्रज्वलित करते हैं, और गांव के कूड़े के ढेर को जलाने के लिए भी प्रज्वलित करते हैं। गंगा मैया में कितने भी नाले आके मिले, लेकिन हम ऐसे तो आरओ का पानी पीते हैं, लेकिन कोई पूजा घर में हो, अनुष्ठान हो, तो कौन सा पानी लेते हैं काम में? गंगा जल। तो सामर्थ्यवान वही है जिसमें कोई दोष नहीं है, ध्यान रखें। इमान ने कहा तो महाराज ये रिश्ता आप ही करवा दो। नारद जी ने कहा ऐसे शंकर विवाह थोड़ी करेंगे। तो जो तप करे कुमारी तुम्हारी
बावी मेटस कहीं त्रिपुरारी। अगर आपकी बेटी तप करें तो भगवान शंकर भाभी को मिटा सकते हैं। एक बात ध्यान से सुन लो राजन, जद पीपर अनेक जग माई, जद पीपर अनेक जग माई, एही कह शिव तदी दूसर नाई, ऐसे तो संसार में अनेक वर हैं, पर आपकी बेटी के लिए शंकर को छोड़ के हमें कोई दूसरा योग्य वर नहीं दिख रहा। राजन आपका कल्याण हो, ऐसा कह के नारद जी गए। और जैसे ही नारद जी गए तो मैना जी ने हिमवान से कहा कि देव हमें मुनि की बात को समझ में नहीं आई, अगर योग्य वर घर होगा तो बेटी का विवाह करेंगे, नहीं तो करना जरूरी है। नत कन्या बरुराई कुवारी, कन्ते उमा मम कानते प्यारे, नहीं तो बिना दूल्हे की बेटी कुंवारी रहे, क्योंकि उमा मुझे प्राणों के समान प्रिय है। हिमान ने कहा एक बात सुनो देवी, ये जो मुनि ने कहा है वो कभी झूठ नहीं हो सकता। मृषा न होय देवरी सी बानी, देवरी सी की बानी कभी झूठ नहीं हो सकती। अगर आपको उमा से इतना ही प्रेम है तो उमा को जाकर प्रेरित करो कि वो तप करें ताकि आपका मेरा उमा का क्लेश मिटे। पार्वती जी के पास आई है मैना जी, बेटी को गोद में लिया, कहना चाह रही है पर कह नहीं पा रही। माँ के मन के भाव को उमा जान गई, कहने लगी माँ एक बात कहूं। मैना जी ने कहा बोलो। माँ मैंने रात में एक स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा? तो उमा कहने लगी सुनो माँ तुम्हें दीख स्वप्न सुना बहु तो सुंदर गौर सुवि प्रवर यश उपदेश। एक सुंदर गौर वर्ण ब्राह्मण देव मेरे स्वप्न में आए और उन्होंने मुझे कहा कि नारद जी की वाणी अक्षर सत्य है, और अगर आप अपना कल्याण चाहती हो तो मुनि की वाणी को सत्य मान के वन में तप करने जाओ। माँ मैंने उन ब्राह्मण देव से स्वप्न में पूछा तप करने से क्या होता है और किसने तप करके क्या प्राप्त किया। तो उन ब्राह्मण देव ने हमसे कहा तप बल प्रचंच रचहि विदाता, तप बल विष्णु सकल जगताता, तप बल शंभु करई संहारा, तप बल शेष धरई मई बारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करही जाय तप यस जिय जानी,
माँ उन ब्राह्मण देव ने कहा कि तप के बल से ही ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, तप के बल से विष्णु पालन करते हैं, तप के बल से शंकर संहार करते हैं और तप के बल से शेष इस पृथ्वी को सर पे धारण करते हैं। ये जो पूरा संसार है तप के आधार पे ही टिका हुआ है, इसलिए राजकुमारी आप जाके तप करें। आपके माता पिता भी यही चाहते हैं कि आप तप करें। माँ मुझे ओ ब्राह्मण देव की बात अति प्रिय लगी, मैं तप करने जाऊं? कहा नहीं बेटा, अभी आपकी उम्र छोटी है, थोड़ी बड़ी हो जाओ बाद में जाना। पार्वती जी ने कहा, माँ आज तो मेरे मन में संकल्प है कल को बड़ी हूं और मेरा विचार बदल जाए तो मैं तो अभी जाऊंगी। और वास्तव में ये जो विचारधारा है हमारे समाज में कूट कूट के भरी हुई है। किसी को भी कहो कि भजन करो तो क्या कहते हैं, अभी कोई भजन करने का समय थोड़ी है, तो बूढ़े होंगे तब भजन करेंगे। अब बूढ़े होंगे भी बीच में टिकट कट जाएगा। और एक बात ध्यान रखें, बुढ़ापे में भजन नहीं होता। भजन युवानी में ही होता है, जवानी में होगा, बुढ़ापे में नहीं होगा। कबीरदास जी कहते हैं, ए हरिरा गुण ए गाये ले भाई तेरो ए जब लग सुखी रे सरी रे राम गुणे गाये रे बिना तेरो जब लग सुखी रे सरी हरि रा गुणे गाये रे बंदा करो जब लग सुखी रे जब लग सुखी शरीर भाई तेरो जब लग सुखी शरीर भाई तेरो जब लग सुखी शरीर राम गुण गाये ले रे बिना तेरो जब लग सुखी रे शरीर हरि रा बंदा तेरो जब लग सुखी रे भाग भला सत्र गुरु मिलिया पढ़ियो समंद माई भाग भला सत्र गुरु मिलिया पढ़ियो समंद चुग लीजिए हो हंसा चुग लीजिए हो नाम अमोल कही राम गुण गाये रे तेरा तारो जब लग सुखी रे सरी हरि रा गुण रे बंदा तारो जब लग सुखी रे सरी हे भाई तारो जब लग सुखी रे सरी हे भाई
भाई थारो जब लग सुखी रे सरी सब देवारो देव रमैयो
पीरा रोपी कातक कबीर भज लीजिए ओ कहती कबीर भज लीजिए हो ओ कातक कबीर भज लीजिए ओ ये हरि सुकरी श्री राम गुण गाए ले लग सुकीरे हरी रागुण काये रे बंदा तारो जब लग सुकीरे नामे गुणे काये रे बंदा तारो जब लग सुकीरे सरी अरे भाई तारो जब लग सुकी सरी भाई थारो जब लग सुखी रे सरी जब तक शरीर स्वस्थ है तभी तक भगवान का भजन कर ले। ओमा ने कहा माँ मैं अभी जाऊंगी। वेद सिरा नाम के महात्मा ने सबको समझाया और परिवार के सभी जन से आज्ञा लेके पार्वती जी तप करने को वन में आई। पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं उरधरी उमा प्राण पति चरणा जाय विपिन लागी तप करना अति सुकुमारन तन तप जोगू पति पद सुमिरि तजई सब भोगू। तप करने लगी तो देखिए महाराज पार्वती जी तप करेगी कई वर्षों तक किया है तो आज हम उमा को ध्यान में रहने दें। कल पुनः सुबह वही समय आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग तो आए अपने मित्रों से अपने पड़ोसियों से अपने परिचितों से परिजनों से कहीं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। सुबह ये कथा सत्संग चैनल पे सीधा प्रसारण होती है, रात को 10 बजे से संस्कार पे इसका पुनः प्रसारण होता है आज से ही। तो आप सबको व्यासपीठ से और आयोजक परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन और हम निवेदन करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएं। आज की कथा को मैं यहीं विराम करूँगा। जय 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 श्री राम। एक बार सभी भाव और प्रेम से बोले जय श्री राम। आज प्रथम दिवस की मानस आरती के लिए जिन जिन महानुभावों का नाम मैं उच्चारण करूं वे सभी मानस आरती के लिए मंच पे पधारे हैं। श्रीमती चंदा शर्मा एवं श्रीमती अनिशा भारद्वाज, अरुणा स्वामी एवं कमला भारद्वाज, इशिता भारद्वाज व बीके शर्मा, श्रीमान सुरेंद्र जी शर्मा, रीतु जी, संजय जी एवं सुरेश जी, ये सभी मानोभाव मानस आरती के लिए मंच पे पधारे हैं। जय सियाराम। Hare Krishna.
भगति श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय भीगी आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय भीगी गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सन कादिशेष अरुसारद अरनि पवन सुत कीरति नीके आरती श्री रामायण जी के कीरति कलित ललित सिय भीगी गावत वेद पुराण अष्टदश छवो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंत सम्मत सब भीगी आरती श्री कीरति कलित ललित सिय भीगी गावत संतत शंभो भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काव्य भूषण गरुड़ के भीगी आरती श्री रामायण कीरति कलित ललित सिय भीगी कलिमल हारिणी विषय रस भीगी सुभग सिंगार मोति जुग भीगी कलन रोग भव मोरि अमीगी तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय भीगी आरती की जय हनुमान लागी दुष्ट दलन रघुनाथ कलागी जाके बल से गिरी भर कांपे रोग दोष जाके निकट न जापे अंजनी पुत्र महाबलदाई संतन के प्रभु सदा सहाय देवी रघुनाथ पठाए लंका जारी सिया सुखिलाए लंका सुपोट सबोग सिखाई जात पवन सुत बार नलाई लंका जारी असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे आदि सजीवन प्राण उबारे बैठी पाताल तारी चमकारे अहि रावण की भुजा उबारे आए भुजा असुर दल मारे दाहिनी भुजा संत जन तारे सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान उतारे कंचन काल कपूर लौ छाई आरती करत अंजना माई जो हनुमान जी की आरती गावे बस वैकुंठ परम पद पावे लंक विध्वंस की ओर गुराई तुलसीदास प्रभु कीरति गाई आरती की जय हनुमान लागी दुष्ट दलन रघुनाथ कराई जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान भोले सियावर रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की श्री बाल कृष्ण भगवान की हनुमान जी महाराज की पूज्य पद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की सतगुरु भगवान की गौ माता की हरिओम।
नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। बार बार वर मांगा वर सदैव श्रीरंग पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग कामिनारी प्यार जिम लोभी ब्रिज धाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लाग मोहि राम। देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नतेहनाकं महिमाना सजन्त्रित पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ दासरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। सीवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्यागजादिकरवेलरसालपुष्पे विल्वप्रवाह तुलसीदलमञ्जरेमी स्वाम पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसिद्ध। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाणं परमेश्वर। सुमद सुगंधित सुमनले सुमन सुदृष्टि विचार पुष्पाञ्जलि अर्पण करो नाथ करो स्वीकार। मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव शरवं मम देव देव। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की।